हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चों, की हाल है। मैं आपका दोस्त अनु सिंह तोमर एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने सर रिवीजन सेशन में। जैसे कि आज हमारा आखिरी सेशन है बेटा, आखिरी सेशन में लेने वाला हूँ रिवीजन में। जो भी बची कुछ चीजें हैं वो कंप्लीट करूंगा। बट सर आज तो मैं पूरा एक्साइटेड था कि रिवीजन सेशन है, जान लगा देंगे, आखिरी सेशन है। बट सर एक न्यूज आ चुकी है, मैं जिस टाइम रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 12:15 हो रहे हैं और इससे कुछ 10-15 मिनट पहले मेरे को बच्चों के मैसेज गड़ 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 आने शुरू हुए। मैंने कहा यार ये फोन क्यों बज रहा है, इतने मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। जब देखा तो आए हाय हाय एक न्यूज आ गई। इतने में मैंने इंस्टा चलाया, ये देखा हर तरफ छाया हुआ है कि सर सीएस के एग्जाम पोस्टपोन हुए। जुलाई से अब वो अगस्त हो गए हैं और सर फिर से कहीं ना कहीं एक महीने का इंतजार। मेरा बच्चा पूरी तरीके से प्रिपेयर है, मेरा बच्चा पूरी तरीके से प्रिपेयर है और वो जुलाई में एग्जाम देने के लिए बिल्कुल रेडी है। पर ये 2020 खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा सर। ये 2020 ने ना सर हर किसी को परेशान कर दिया है, स्टूडेंट से लेके एक बिजनेसमैन से लेके एक एक हाउस दैट इज हर बंदा इन शॉर्ट हर एक पर्सन को परेशान कर रखा है इस 2020 ने। सर आपका डिप्रेशन या आपका इशू सर क्या बोले सर, वैलिड है सर, क्या कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये ठीक है, कुछ कह रहे हैं सर ये गलत है, सर हम प्रिपेयर थे, कुछ परेशान है, कुछ वो है। सर परेशान होने का कोई कोई रीजन नहीं है आपके पास, ठीक है, कोई रीजन नहीं है सर। जो हो रहा है सबके लिए हो रहा है सर। COVID-19 का जो एक पेंडेमिक है सर, वो हर किसी की लाइफ में ना बस लगा रहा है, तो आपकी भी लाइफ उसमें इंक्लूड हो रही है और लग रही है सर। बट मेरा मानना यह है सर, जो भी है इंस्टीट्यूट ने जो डिसाइड किया है सर, हमें उसे फॉलो करना चाहिए, ठीक है। फॉलो क्या करना, हमें करना ही पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन कुछ है नहीं। बट सर उसे पॉजिटिवली लेना चाहिए। पॉजिटिवली लेने का मतलब है सर इस टाइम ना दिक्कत है, आपको जो टाइम एक्स्ट्रा मिला है सर उसमें पूरे एफर्ट्स कीजिए। अगेन मैं वही लाइन रिपीट करूंगा सर, एफर्ट्स कीजिए। आपको हर तरफ नेगेटिविटी है बेटा, अपने आस पास एरिया में, अपने घर में, अपने फ्रेंड्स में, अपने हर जगह ढूंढोगे वहां नेगेटिविटी मिल जाएगी आपको बड़े आराम से। बट पॉजिटिव चीजें ढूंढना ना आपको थोड़ा मुश्किल है सर। पॉजिटिव चीजें कहाँ से ढूंढोगे सर, पहले अपने अंदर से ढूंढो। पॉजिटिव चीजें अपने अंदर से ढूंढो सर, अपने अंदर से ये ढूंढ के निकालो कि आपको क्या क्या इसमें पॉजिटिव दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है सर। पॉजिटिव मेरे को दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है कि सर आपको टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा मिले जा रहा है बार बार। तो सर जो चीजें कहीं ना कहीं आपकी कमी रह रही है, कुछ बच्चों के पॉइंट्स आए थे मेरे पे, मैसेजेस आए थे कि सर हम प्रिपेयर नहीं है, हमारा ये कम्प्लीट नहीं हुआ। कुछ बच्चे अभी भी मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर हमारी सीएमए में थ्योरी नहीं हुई या इस सब्जेक्ट में ये नहीं हुआ, सर हम इसे कैसे कर लें, शॉर्ट बता दो ट्रिक। बेटा आपके लिए फिर टाइम हो गया है, फिर टाइम आ गया, कंप्लीट करो यार, अब कंप्लीट करो यार। अब भी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे यार, और कितना टाइम आपको चाहिए, ठीक है। जिन बच्चों को एकदम बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन थी उनके साथ सबसे बड़ा दिक्कत है कि वो एकदम रेडी हैं सर। वो मेरा बच्चा लास्ट अटेम्प्ट उसने जून में दिया था, अगर मैं बात करूं तो लास्ट अटेम्प्ट जून में दिया था जब उसका फाउंडेशन की बात हुई थी सर। वो तब से इस दिन का इंतजार कर रहा है कि कब एग्जी आएगा और कब वो धमाका दकरेगा, लेकिन सर वो दिन ही नहीं आ रहा है। वो दिन बार बार कहीं ना कहीं उसके उसका जो सपना है ना सर, उसकी आंखों से बार बार पोस्टपोन होता जा रहा है। तो है नेगेटिव यार, ये सच में इस बार तो मैं भी थोड़ा सा, मतलब सच बता रहा हूँ, मैं इतनी एनर्जी के साथ रिकॉर्ड करने वाला था क्लास, बट कहीं ना कहीं न्यूज पढ़ के ना एकदम अंदर से थोड़ी फील आई कि यार ये पॉजिटिव है या नहीं है मुझे नहीं पता, आपके लिए कितना पॉजिटिव है, आप किस एंगल से सोच रहे हो। बट मुझे लगता है कि यार प्रिपेयर होना था तो होना चाहिए था सर। अब जो भी है सिचुएशन है अगस्त में, क्योंकि सर और भी बहुत सारी चीजें हैं सर, हम खाली यही नहीं सोच सकते कि हमें हमें अपने दिल की बात सुननी चाहिए सर। थोड़ा सा अपने दिमाग को भी ध्यान लगाना चाहिए कि सर इस टाइम सेफ नहीं है, चीजें सेफ नहीं है सर। अभी आपको पता है कोरोना जो है वो एकदम पीक पर है, वो पीक पर है, कहीं ना कहीं डेली 10,000-15,000 के केसेस आए जा रहे हैं। और स्पेशली दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में तो और भी केसेस आ रहे हैं सर। दिल्ली के अपने केसेस से कम हो रहा है, दिल्ली में इतने अच्छी फैसिलिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट्स, एम्स, सफदरजंग, अपोलो, ये सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स कहीं ना कहीं दिल्ली में हैं। तो सर दिल्ली के ही नहीं, आउटसाइड भी बहुत सारे स्टेट्स अपने केस यहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, इस वजह से दिल्ली में भी केस बढ़ रहे हैं। यही नहीं है रीजन, यही है कि दिल्ली में लोग क्रिएट कर रहे हैं कि दिल्ली में बहुत केसेस है, दिल्ली नहीं है सर। दिल्ली में केसेस हैं तो हैं, लेकिन आउटसाइड भी सर, यूपी हरियाणा से भी केसेस इधर ही ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो है, लेकिन पॉइंट है सर, जो भी है सर, रीजन तो दिल्ली में ही है ना, रीजन तो है ना दिल्ली में, दिल्ली में बढ़ रहे हैं ना केसेस, बात खत्म। तो सर सेफ रहो, अपने घर में रहो। और मैं तो आज ये बोलने वाला था कि बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी तो आपने एग्जाम की तैयारी करना है और बहुत सेफ्टी के साथ
एग्जाम देने जाना है, अपने जो भी आपको सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस मिले उनको फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन अब तो पोस्टपोन हो गया, तो जो भी है अपने घर में रहो सर, अपने पेरेंट्स को बोलो कि थोड़ा सेफ्टी रखें, जो भी बाहर जा रहा है, घर से बाहर जा रहा है आप या कोई भी जा रहा है घर से बाहर, तो इमरजेंसी केस में जाएं घर से बाहर, और जाएं भी तो सर बहुत सेफ्टी, सर प्लीज मास्क अवॉइड ना करें सर प्लीज, ठीक है। आपको मैं कुछ बातें, अब देखो आप तो आपके पास भी टाइम ही टाइम है, मेरे पास भी टाइम ही टाइम है, तो थोड़ी बातें तो कर ही लेंगे, शुरू करेंगे अभी आज ये टॉपिक मुझे पढ़ाने, इन टॉपिक को शुरू करते हैं। बट अब थोड़ी दिल की बातें कर लूं यार, आप लोगों से शेयर नहीं करूंगा तो किससे करूंगा। आप लोगों को शायद नॉलेज नहीं होगी, मैं बताता हूँ, अभी जैसे ये न्यूज आई और इतने में ही हमारे नितेश सर का एकदम आ गया मैसेज, सर हमारी MWF में नितेश सर रोज मीटिंग करते हैं, रोज आपके बारे में डिस्कशन करते हैं। अभी उनका फिर से एक मैसेज आया कि सर अब क्या करना है, सर मीटिंग डिस्कस करना है आज, बच्चों को फिर परेशान हो गए बच्चे, तो सर वो बहुत प्रोएक्टिव रहते हैं, हर चीज को लेकर बहुत प्रोएक्टिव रहते हैं, ठीक है। आप लोगों को नहीं लगता, आप लोगों को लगता है कि वो आपके सामने नहीं आते तो सर वो दिखते नहीं है, तो वो इसका मतलब नहीं है सर, वो आपके बैक हमारे बैकअप में या आपके बैकअप में खड़े होकर सर वो पूरे टाइम आपके बारे में ही सोचते हैं। अभी जैसे मुनि के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एक पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, आपको शायद नॉलेज भी नहीं होगी, आपको तो आइडिया भी नहीं होगा यार, उनकी बिल्डिंग में, नितेश सर की बिल्डिंग आप तो जानते हो ना नितेश सर के, तो नितेश सर की बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे 2 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, वाइफ और हस्बैंड, और नितेश सर बता रहे थे कि वो ना 2 दिन पहले जिस अभी जब आया जब ये कल परसों जब उनको केस आया, तो उससे 2 दिन पहले वो उसी फ्लैट के सामने खड़े होके किसी से बात कर रहे थे, सामान वामान डिलीवरी वगैरह ली थी उन्होंने, वहीं पे सामान वामान की बात हो रही थी उनसे, ठीक है। और कह रहे मैं कम से कम 15-20 मिनट वहीं खड़ा रहा, ठीक है, वहीं मैंने जो लिफ्ट वगैरह है वो यूज करी है, वो सब यूज करी है। तो सर मतलब अब उनको सच में यार एक बात बताओ यार, ये जो वायरस है ये है क्या यार, ये तो एक सिंपल सी, देखो सर मेरे को दैट इज, मैं कहूँ ना कि अगर मेरे को कोई बीमारी हो जाए ना सर, मैं मेरे को एक्सेप्ट है, मेरे को एक्सेप्ट है कि सर वो मुझ तक रहे, लेकिन मुझे ना ये एक्सेप्ट नहीं है सर, इस वायरस की सबसे बड़ी कमी ये है कि सर मेरी बात नहीं है, मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, मेरे घर में मेरे पेरेंट्स हैं सर, उनको दिक्कत है सर, मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरे को हो जाएगा देख ही जाएगी यार, अपनी लाइफ की इतनी टेंशन नहीं है। अपने से ज्यादा हम लोग हमेशा चाहते हैं कि सर हमें पता नहीं क्या, हमें अपने अपने बारे में नहीं सोचता, हम कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते, हम सोचते हैं हमारे से जो हमारे जो लवेबल हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जो हमारे से रिलेटिव हैं सर, वो उनको प्रॉब्लम ना हो सर, सब कुछ हम उन्हीं के लिए तो कर रहे होते ना। तो सर अब नितेश सर का वो हुआ है, तो सर वो घर में हमने जैसे बताया उन्होंने, तो हमने बोला कि सर आप ना एक काम करो, आप बिल्डिंग में ही रहो यार, आप मत जाओ बाहर, आप बाहर मत जाओ यार, आप रहो रूम में ही रहो, और खामखा लेकिन आप नीचे जाओगे वगैरह तो मत करो यार, लिफ्ट विफ्ट यूज मत करो, कुछ भी मत यूज करो। बट सर वो कहां मानने को तैयार है, वो कहते हैं कि एकेडमी तो जाना पड़ेगा, एकेडमी नहीं जाऊंगा तो बच्चे की क्लासेस कैसे लगेंगी, कैसे अपलोड होंगी, कैसे गूगल ड्राइव, ये रोज बच्चों की कॉल आती है, मैसेज आते हैं सर, ये आते हैं सर, वो ऐसी सिचुएशन में भी जा रहे हैं। मैंने कहा सर मतलब कह रहे मैं तो यहाँ पे अकेला रह रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है फैमिली, मैंने कहा सर फैमिली की बात नहीं है सर, आप अपने बारे में भी तो करो ना, आप लोग हम लोग भी तो है ना आपकी फैमिली में सर, आपको दैट इज भगवान ना करे कभी ऐसी बात हो, ठीक है, लेकिन वो अपने बारे में दैट इज वो तुम्हारे लिए रेडी है, दैट इज वो कह रहे हैं कि नहीं बच्चों के लिए, बताओ यार ऐसा बंदा भी कहीं मिलता है क्या जो अपनी जान से ज्यादा कहीं ना कहीं मतलब अपने प्रोफेशन और आप लोगों के लिए काम करता हो, ठीक है। अब उनको समझाया कि ठीक है यार आप मत करो, मत जाओ कहीं, मत जाओ, वो फिर भी रही बात है, ठीक है सर, वो हर चीज करते हैं सर, लेकिन फिर भी ना इतना करने के बाद दोस्त जी सर कुछ बच्चे उनको मैसेज कर देते हैं, वो परेशान थे कल बहुत ज्यादा परेशान थे, अब उनकी भी बात हो रही है, जैसे ये आगे परेशानी उनकी भी, हर तरफ से यार बंदा परेशान है, ठीक है। तो वो सर आप क्यों खास रहे हो, अरे मैं ठीक हूँ, तो वो काफी परेशान थे। अब देखो ना बेटा पॉइंट है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एकदम ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे आपके साथ में हूँ, तो थोड़ा बहुत टाइम हो सकता है इधर उधर, क्योंकि करनी है यार कुछ, यही तो कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ कर सकता हूँ। तो वो परेशान क्यों थे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनके उनके थ्रू में बोल रहा हूँ, बस मैं अपनी बातें डिस्कस कर रहा हूँ आपके थ्रू कि हाँ ठीक है यार आपको भी बताना जरूरी है। वो परेशान थे कल कि उनको कुछ बच्चों ने मैसेज कर दिया और यही बोला कि सर आप तो आते नहीं हो, आप तो नजर नहीं आते हो, आप तो ये नहीं करते वो नहीं करते हो, मेरे को मैसेज में मैसेज आए जा रहे हैं बच्चों के इस टाइम पे कि सर ये वो, तो उनको मैसेज करा कि सर आप ये वो। अब एक बात बताओ यार,
मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मतलब जिन बच्चों ने भी मैसेज किया या जो भी ये सोचते हैं कि नितेश सर लाइव नहीं आते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, हमारे हमारे साथ रिवीजन सेशन में नहीं है, सर एक बात बताओ, डाउट सेशन में नहीं है, ये बताओ, मुझे बताओ, कुछ चीजें फिजिबल भी तो होती है ना यार, कुछ चीजें पॉसिबल नाम की भी तो चीज होती है। अब एक बात बताना बेटा, आपसे मैं पूछूं कि आपको याद है जब मैं जब नितेश सर ने डाउट सेशन शुरू किया था और मुझे और रणदीप सर ने हमने डाउट सेशन जब लेना शुरू किया था, तो फर्स्ट कुछ क्लासेस में स्टार्टिंग की क्लासेस में कितने डाउट आते थे सर, एक जो पहली क्लास मुझे याद है सर, इतने डाउट आए थे सर, पूरे एक घंटा लगातार डाउट को लेते लेते खत्म नहीं हो रहे थे। एक सब्जेक्ट है सर अपने पास, एक सब्जेक्ट, वो भी एमसीक्यू सब्जेक्ट है, तब उसमें लग जाती है कि सर सब बच्चा इतना डाउट पूछता है। सर उनके पास पांच सब्जेक्ट है सर, पांच एक्सी के पांच सब्जेक्ट है, पांच सब्जेक्ट के साथ साथ उनके पास सर यूट्यूब में 42,000 सब्सक्राइबर है। अगर मैं 42,000 का 20% भी मान लू ना कि उनके पास डाउट के लिए आ जाएगा, तो सर 8,000-9,000 8,500 बंदे आपके साथ जुड़ जाएंगे। और सर आप हो प्रीवियस बैच के बच्चे हैं जिनको पता चलेगा, वो मजे लेने भी पहुंच जाएंगे, ट्रोलर्स भी पहुंच जाएंगे सर, अब तो देखते हो उनके ट्रोलिंग कैसे होती है, हमें तो तब भी छोड़ दिया जाता है सर उनको, तो बाप रे बाप, ठीक है। उसके बाद सर बाहर का बच्चा भी जुड़ जाएगा सर, टीचर भी पूछ जाएंगे, थोड़े डाउट आउट कंप्लीट कर लेंगे अपने, ठीक है। तो इतने डाउट होंगे सर, वो स्पीड देख रहे हो कैसे भागेगा यूट्यूब पे, कहां से पढ़ना पॉसिबल होगा। और अगर वो बैठ भी गए ना, तो सर सुबह से लेकर शाम तक भी बैठ गए ना, तब भी डाउट कंप्लीट नहीं होने वाले, तब भी डाउट कंप्लीट नहीं होने वाले, दैट इज कहीं ना कहीं। और सर डाउट कहाँ है सर, आप पढ़ नहीं रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो, उनके उन्होंने हर एक पॉसिबल चीज करा दी है सर। मेरे को तो बच्चे खुद बोलते हैं कि सर उनका पता नहीं कौन नालायक है जो दैट इज कहते हैं कि सर ये सब चीजें हैं, ठीक है। आपको जब आप फेस टू फेस में थे, कभी उन्होंने आज तक कभी ऐसा हुआ सर, आप घेर के खड़े हो जाते थे क्लास के बाद उनको, सर जब तक आपके डाउट कंप्लीट नहीं होते तब तक जाते नहीं थे। लेकिन सर अब ये फिजिबल नहीं है ना सर, इतना भी तो प्लेटफॉर्म नहीं कर दिया ना यूट्यूब ने कि ठीक है यार मैं करता रहूंगा सर, थोड़ा सा तो है ना दिक्कत सर, दिक्कत तो है थोड़ी सी, तो कुछ चीजें फिजिबल नहीं है। बट सर आप इन रियलिटी देखो ना, आप इन रियलिटी देखो कि कहीं ना कहीं रिवीजन का शेड्यूल, रिवीजन का आइडिया किसका है, नितेश सर का शेड्यूल किसने बनाया, नितेश सर ने ऐप पे क्लासेस के नहीं तो यूट्यूब पे क्लासेस, ये आइडिया किसने लिया, नितेश सर ने, गूगल ड्राइव पेन ड्राइव, बहुत सारे ऑप्शन सर, रिवीजन सेशन, डाउट सेशन, लाइव सेशन, ये सब आइडियाज अल्टीमेट तो कहीं ना कहीं उनके थ्रू ही निकलते हैं ना। तो सर वो बैकअप में तो कर ही रहे हैं ना सर, बहुत काम कर रहे हैं सर, आपको नहीं पता सर, वो इसी सिचुएशन में काम कर रहे हैं जिसमें जिस सिचुएशन में आप घर से बाहर ना निकलो, रूम से बाहर ना निकलो, घर की बात तो छोड़ो, जिन आपके घर आपकी बिल्डिंग में अगर दो कोरोना पॉजिटिव आ जाए ना सर, आप एरिया छोड़ दो वहां से, उसमें कहीं ना कहीं आपको सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, आपको सर्विसेज दे रहे हैं। तो सर ये सब चीजें हैं, ठीक है, ये सब चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, और सर आज मेरा आखिरी जो भी सेशन है, अब इसके बाद आगे तो हम डिसाइड करेंगे कि क्या हो सकता है पॉसिबल, बट अगर मैं आज के हिसाब से लूँ तो रिवीजन का आखिरी सेशन है। तो सर मेरा तो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं ये कंट्रीब्यूशन, जो भी इतना शानदार रिवीजन सेशन हमारा रहा है, इसका प्रॉपर थैंक्स कहीं ना कहीं नितेश सर को जाता है, और सर मेरे हिसाब से आपको भी उन्हीं को थैंक्स करना चाहिए कि उन्हीं का ही आइडिया था और वही प्रमोट कर रहे थे हम लोग, ठीक है, उन्हीं को थैंक्स बोलना चाहिए, ना कि उनको कहीं ना कहीं वो ऐसी सिचुएशन में वो परेशान है, काफी परेशान है, ताकि उनकी उनकी बिल्डिंग में कोरोना है, फिर अब ये एक परेशानी ये आ गई सर, जो पोस्टपोन हो गया, उन्होंने पूरी तरीके से बैच की शुरुआत कर दी थी कि बच्चे हम लोग फेस टू फेस शुरू करेंगे, बताओ बैच ही एग्जाम पोस्टपोन हो गए, कैसे होगा, क्या होगा सर, कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सपोर्ट करो सर, ठीक है। आपको आप जब डीमोटिवेट होते हो, आप जब डिप्रेशन में होते हो, तो उन्होंने कई बार मोटिवेशन भरा है ना आप में, अब उनमें भरने की जरूरत है सर मोटिवेशन, आपका एक थैंक्स एक मैसेज उनको मोटिवेट कर सकता है काफी हद तक, ठीक है, तो करिए सर उनको मोटिवेट, ठीक है, हम तो अपनी पूरी तरीके से कर ही रहे हैं सर, उनको मोटिवेट करिए और खुद भी मोटिवेट हुई, ठीक है सर, खुद भी मोटिवेट हुई है, काम करिए सर, पाने छोड़िए, दैट इज ठीक है, ठीक है यार, जो हो रहा है हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में हम वो करेंगे, ठीक है, एग्जाम पोस्टपोन हो गए कोई दिक्कत नहीं, हम और प्रैक्टिस करेंगे और तैयारी करेंगे, ठीक है, अगर कुछ जो फर्स्ट ग्रुप में है फर्स्ट मॉड्यूल के लिए तैयार हो रहे हैं, वो सेकंड मॉड्यूल के लिए भी प्रिपरेशन शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें, जो बोथ मॉड्यूल के लिए उनके लिए तो बेटा मुझे लगता है कि एक महीना भी कम पड़ जाएगा अगर वो सही से और दोबारा से रिवाइज करना शुरू कर दें, ठीक है। तो चलो अब मैं बहुत हो गया, बहुत सारी बातें कर ली हैं, अब मैं शुरू करता हूँ बेटा अपना टॉपिक, आज का टॉपिक है ये टॉपिक आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इकोनॉमिक वैल्यू एडिट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक बच्चों का काफी डाउट था सर, मार्जिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ MWACC क्या है और कॉस्ट ऑडिट रूल्स क्या है। सर अगर मैं आपको बताऊं तो वैल्यूएशन के चैप्टर में ना बहुत कुछ है, वैल्यूएशन के चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना है हमें, बहुत सारी बातें पढ़नी है, लेकिन सर
उतना ना हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, उतना एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है सर। वैल्यूएशन पढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ चीजें, बहुत सारी वैल्यूएशन अप्रोचेस हैं, अपने को जितनी अप्रोच इंपॉर्टेंट है मैंने आपको पढ़ाई है, बाकी आपने कहीं ना कहीं एफएम में भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर को जरूर रिवाइज कर लेना सर, उसको भी कवर कर लेना, और बाकी जो बातें वो मैं आज और करने वाला हूँ, दैट इज कहीं ना कहीं वैल्यू। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा ईवीए। हम लोग ईवीए क्या होता है इसे समझते हैं और इस पर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से सबसे पहले मैं बात करूं, मैं करने जा रहा हूं आपके साथ शुरुआत इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। सर होता क्या है, उससे पहले मैं आपसे कुछ जनरल बातें करूंगा। मैं बेटा आपसे कहता हूं, मेरी सामने एक बैलेंस शीट दिख रही है, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट है, उसमें ये नॉन करंट एसेट है, ये करंट एसेट है, और यहाँ शेयर होल्डर फंड है, नॉन करंट लाइबिलिटी है और करंट लाइबिलिटी है। सारे बच्चे उठ के बैठ जाएंगे, हाँ जो जो लोड गया है, जो जो जिस जिसको लग रहा है कि मैंने बीन बजाना शुरू कर दिया है, वो उठ के बैठ जाएंगे। ठीक है, मुंह पे पानी मारेंगे वरना दीवार में सर मारेंगे, लेकिन शुरू हो जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, इंपॉर्टेंट बात है बेटा। आपको एक बैलेंस शीट दी है सर, बैलेंस शीट में ये कुछ चीजें। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई बैलेंस शीट में पैसा कौन लगाता है? अगर मैं बोलूं मेरी कंपनी में पैसा लगाना है, देखो पैसा तो जो मेरा फंड्स है वो यूज तो यहाँ पर होगा, यूटिलाइजेशन तो करंट एसेट या नॉन करंट एसेट खरीदूंगा, लेकिन इसका जो ये मेरा सोर्सेज है, जो मेरे फंड का सोर्सेज है, पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है? तो सर वो कहाँ से आ सकता है, वो ये लाइबिलिटी साइड है, लाइबिलिटी साइड है सर। यही लोग तो हैं जो बिजनेस में फाइनेंस दे रहे हैं मेरे को, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। बट मैं आपको बोलूं कि सर जो करंट लाइबिलिटी है, जो ये मेरी करंट लाइबिलिटी है सर, ये बेसिकली आपको फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करती, प्रोवाइड नहीं करती, ये सिर्फ आपको बिजनेस को चलाने में हेल्प करती है। अगर मैं एक नॉर्मल एक प्रैक्टिकली बोलूं कि सर करंट लाइबिलिटी कभी भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट पैसों में नहीं करती, वो आपको बिजनेस चलाने में सपोर्ट करती है कि आपको डे टू डे रनिंग जो बिजनेस करना है, डे टू डे रनिंग बिजनेस है, उसको कैसे मैनेज करना है। सर क्रेडिटर आपको समान उधार पे दे देते हैं, बैंक बॉडी आपको कहीं ना क्रेडिटर को पेमेंट करने में हेल्प कर देती है सर, ऐसे ही आपके बिल्स पेबल है सर, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस है, कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको शॉर्ट टर्म, दैट इज शॉर्ट टर्म नेचर की, आपको बिजनेस को शॉर्ट टर्म पर्पज में चलाने के लिए। लेकिन अगर आपको बिजनेस रियल में चलाना है, दैट इज लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए चलाना है, तो आपको लॉन्ग टर्म फंड चाहिए। और लॉन्ग टर्म फंड सर कौन प्रोवाइड करता है, वो दो ही लोग हैं। तो कितने लोग हैं, तो करंट लाइबिलिटी कभी भी लॉन्ग टर्म फंड्स की बात नहीं करती, वो हमेशा शॉर्ट टर्म की बात करती है। तो सर दो ही लोग हैं जो आपको लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करते हैं, वो है शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी, और इन्हें हम लोग बोलते हैं कैपिटल इंप्लॉयड। क्या बोलते हैं सर, कैपिटल इंप्लॉयड, कि बिजनेस में जो लॉन्ग टर्म फंड लगे हुए हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए हमने पैसा उठाया हुआ है, वो कौन कौन है, एक तो मालिक, एक तो कौन है मालिक, दैट इज शेयर होल्डर फंड, और एक है नॉन करंट लाइबिलिटी। सुनते रहना फिर आएगा ईवीए का पॉइंट समझ में। ठीक है सर, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी। अब आप मुझे बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड में हमने कितनी चीजें बोली सर, आपने बोली दो, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। आप मुझे बताओ शेयर होल्डर फंड में कितनी चीजें होती हैं सर, तीन चीजें, जल्दी बोलो कौन कौन। सर आप बोलोगे सर इक्विटी शेयर कैपिटल, आप कहोगे सर इसमें तो आएगा एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल, भाई कैपिटल फंड में कौन आएंगे, एक तो इक्विटी वाले आ जाएंगे जो पैसा देंगे आपको, एक प्रेफरेंस वाले पैसा देंगे, ये भी मालिक है, और कहीं ना कहीं आपकी खुद की सेविंग, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस, जिसे हम बोल देते हैं रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोल देते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। तो अगर मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए पैसा चाहिए, तो मेरे पास टोटल चार रिसोर्सेज हो गए। कितने रिसोर्स हो गए, चार। बोले तो कैपिटल इंप्लॉयड मुझे लगाना है, तो कैपिटल इंप्लॉयड मुझे कहां कहां से मिलेगा सर, इक्विटी शेयर कैपिटल से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, रिटेन्ड अर्निंग से, और नॉन करंट लाइबिलिटी बोले तो डिबेंचर या बैंक्स वगैरह जो मुझे बेसिकली लोन प्रोवाइड कर रही है, जो मुझे क्या कर रही है बच्चे, लोन प्रोवाइड कर रही है। तो जल्दी बोलो बेटा कितने हो गए, चार। अब ध्यान से बताना भाई, इक्विटी से पैसा लेने जाएंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल से लेंगे, प्रेफरेंस से मांगेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू होगी, रिटेन्ड अर्निंग दैट इज अपने रिजर्व से, और नॉन करंट लाइबिलिटी बोले तो डिबेंचर और बैंक लोन। और सर आप किसी से भी पैसा उठाओगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपका मालिक हो, चाहे वो आउटसाइडर हो, अगर आप पैसा उठाओगे तो सर वो इन रिटर्न आपसे कुछ ना कुछ मांगेगा, कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसको इतना दो, आप उसको कम से कम इतना तो प्रोवाइड करो। तो सर जो उसकी एक्सपेक्टेशन है उसे हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट। क्या बोलेंगे, कॉस्ट। तो अगर मैं शेयर होल्डर इक्विटी से पैसा उठा रहा हूं तो इक्विटी की कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, जल्दी बोलो के ई। क्या बोलते हैं, के ई। सुनते रहना भी बेटा, प्रेफरेंस से पैसा उठाएंगे तो प्रेफरेंस को जो कॉस्ट होगी उसे बोलेंगे के पी। क्या बोलेंगे, के पी। और रिटेन्ड अर्निंग, अगर मैं अपनी जेब से पैसा लगा रहा हूं, दैट इज बिजनेस में से पैसा लगा रहा हूं, तो सर इसकी भी कॉस्ट है, ये भी कहीं ना कहीं अल्टीमेट मालिकों का है, ये रिजर्व्स भी किसके हैं, मालिकों के हैं, तो दैट इज के आर।
इसको क्या बोलेंगे के आर, और नॉन करंट लायबिलिटी बोले तो डेप्ट, नॉन करंट लायबिलिटी बोले तो डेप्ट, जब मुझे डेप्ट पैसा देंगे तो इन्हें बोलेंगे के डी, क्या बोलेंगे के डी, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ के ई, ठीक है, ये सारी कहीं ना कहीं इनकी एक्सपेक्टेशन देंगे। और सर अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड में बोलूं कि मैंने 10 लाख रुपए सबसे लगा रखा है, मैंने टोटल मिला के 10 लाख लगाया है, टोटल मिला के कुछ पैसा इक्विटी से लगा लिया, कुछ पैसा प्रेफरेंस से लगा लिया, कुछ रिटेन अर्निंग से लगा लिया, कुछ डिबेंचर से ले लिया, टोटल पैसा मैंने बिजनेस में सपोज लॉन्ग टर्म फंड के से जो लगाया, लॉन्ग टर्म बोरिंग में से जो लगाया बेटा, लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए जो लगाया वो लगाया 10 लाख रुपीज, कितना लगाया मेरे बच्चों 10 लाख। तो इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे बिजनेस में कितना है, जल्दी सुनना बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख। अब 10 लाख में सर हर किसी की कॉस्ट होगी, हर किसी की कॉस्ट होगी, के ई भी होगा, केपी भी होगा, के आर भी होगा, के डी भी होगा, सबकी कॉस्ट होगी। अगर इन सबको मैं ओवरऑल एक साथ निकाल लूं कि एक साथ एक कॉस्ट निकालू तो हम उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इसे शॉर्ट में बोलते हैं के ओ, क्या बोलते हैं बेटा के ओ। अभी देखो मैं कोई टेक्निकल वर्ड नहीं यूज कर रहा, बस मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। और मैंने कहा सर मेरे केस में सपोज मेरी कंपनी के केस में केओ आ रहा है 20%, कितना आ रहा है 20%, इसका मतलब 10 लाख रुपए मैंने सबसे मिला के पैसा इकट्ठा करा, बिजनेस में लगाया, और उनको कहीं ना कहीं टोटल मिला के एक्सपेक्टेशन सब कुछ करने के बाद, अभी कैसे निकालते हैं केओ इसकी बात करेंगे, करने के बाद बेटा कितना है 20%। तो आप बताओ कम से कम 10 लाख का 20%, 2 लाख रुपए तो इन्हीं की एक्सपेक्टेशन है, यही लोग कहीं ना कहीं ये सारे लोग मिलके एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिजनेस कम से कम हमने बिजनेस को 10 लाख रुपए दिए तो मालिक और लॉन्ग टर्म डेप्ट वाले ये सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 लाख तो हमें देना है, दैट इज टोटल मिला के कितना देना है 2 लाख रुपए। अब मैं कहता हूं कि सर अगर बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाया, जो बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया वो इनकी कॉस्ट से बोले तो 2 लाख से ज्यादा कमाया, सपोज बिजनेस ने कमाया 3 लाख, बिजनेस ने कितना कमाया 3 लाख, 2 लाख देना है, दैट इज उन्होंने पैसा लगाया, तो इसका मतलब 2 लाख वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2 लाख उनको देना है, 2 लाख देना है, और बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाया है, जो ये क्या है, ये कॉस्ट है, ये क्या है कॉस्ट, इनसे पैसा लेने की कॉस्ट, और इस पैसे पे जो कमाया दैट इज रिटर्न, जो प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट 3 लाख कमाया, तो इसका मतलब फर्म के पास 3 लाख में से 2 लाख देने के बाद भी बच गया कितना 1 लाख, जल्दी बोलो कितना बच गया 1 लाख। बेटा इस 1 लाख को फर्म क्या करेगी, इस 1 लाख से अपने को वैल्यू एडिशन करेगी फर्म, अपने दैट इज बिजनेस क्या करेगा, अपने 1 लाख अपने अपने बिजनेस में 1 लाख को इन्वेस्ट करेगा, दैट इज कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन हो रहा है बिजनेस के अंदर, ठीक है, इसे ही हम लोग बोल देते हैं ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडिट, क्या बोल देते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडिट, कि हमने कितना कमाया ओवर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जितना सबको देने के बाद कितना हमारे पास अपने लिए दैट इज बच गया, जिसे हम कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन में लगाएंगे, किसमें लगाएंगे वैल्यू एडिशन में लगाएंगे। बोलो हाँ या ना, बहुत समझ आई या नहीं आई, चलिए बोलो क्या समझ आया। सर हमें समझ आया कि ईवीए निकालने के लिए 2 चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, कितनी चीजों का हो रहा है 2 चीजों का, एक तो मेरे प्रॉफिट जो मैंने बिजनेस ने कमाया, और दूसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो पैसा लगा है बिजनेस में उस पे कितना देना है, भाई 10 लाख लगाया 10 लाख पे कितना कमाया और कितना देना है, जो बच गया दैट इज ईवीए, दैट इज ईवीए, क्लियर है। तो अगर मैं ईवीए का प्रॉफिट, अब सर ये ईवीए का प्रॉफिट, ईवीए निकालने का फॉर्मूला लिखो, तो आपको भी लिखना है, अगर आपने लिखा नहीं है तो सर ये बात आपको लिखनी है, ईवीए निकालने का फॉर्मूला अगर मैं बोलूं तो इकोनॉमिक वैल्यू एडिट, इकोनॉमिक वैल्यू एडिट अगर निकालना है तो सर इसका फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चों, ध्यान सुनना बेटा, इसका फॉर्मूला है नो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एनओपीएटी, भाई पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट माने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट, लेकिन ये नेट प्रॉफिट नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, मुझे क्या चाहिए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी बात करेंगे क्या होता है, माइनस सर ये तो कमाई है, ये क्या है कमाई है, सुनते रहना, फॉर्मूला रट्टा लगाओगे दिमाग खराब हो जाएगा, ये कमाई है, अभी कैसे निकालेंगे अभी ये डिस्कशन पॉइंट है। सर इसमें से क्या माइनस करना है, सर जितना पैसा आपने बिजनेस में लोगों से लिया हुआ है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, इसे मल्टीप्लाई करो उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, जितना वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे आप शॉर्ट में क्या बोलते हो, जल्दी बोलो ना सारे बच्चों, नालायकों बोलो, हाँ जी सब सो रहे नालायक, WACC, WACC,
जल्दी बोलो, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्या समझ आई? सर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नोपेट, नोपेट दैट इज ये कमाया माइनस कितना देना है, देना क्या है, जितना बिजनेस में हमने इनसे पैसा लिया है मल्टीप्लाई बाय इनकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर है? तो जल्दी बताओ मेरे सामने कितने डिस्कशन पॉइंट आ गए। सर सबसे पहला डिस्कशन पॉइंट ये, इस पर डिस्कशन होना है। फिर सर कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकालना है दूसरा, और फिर तीसरा कैसे वेटेड एवरेज कैसे निकालना है, ये तीनों बातों को सीखेंगे और टॉपिक हमारा खत्म। बोलो जल्दी से, करें शुरू? चलो सर शुरू करो। अब ध्यान सुनना बेटा, शुरू करो भाई। हम लोग क्या करने वाले, हम लोग कैपिटल इंप्लॉयड के लिए हम लोग काम करने वाले हैं। कैपिटल इंप्लॉयड में कौन कौन है, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी। क्लियर है? आप मुझे बताओ शेयर होल्डर फंड को हम क्या देते हैं? सर डिविडेंड देते हैं, चाहे इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं। सर लॉन्ग टर्म डेप्ट को हम क्या देते हैं? सर हम उनको देते हैं इंटरेस्ट, हम उनको क्या देते हैं, इंटरेस्ट। तो बेसिकली सर मैं अगर बात करूं तो मुझे वो प्रॉफिट चाहिए, मुझे वो प्रॉफिट चाहिए जो इन तीनों को देने से पहले है। इन तीनों के लिए तो बात कर रहा हूं मैं कि मैंने इतना कमाया, फिर उसके बाद इन तीनों को जितना देना है वो हटा दो जो बच गया। तो मेरे को वो प्रॉफिट चाहिए जो मैंने धंधे से कमाया, जो मैंने सिर्फ बिजनेस से कमाया, दैट इज कहीं ना कहीं मालिकों को देने से पहले, इनको डिवेंचर विवेंचर को देने से पहले, जो मैंने अपने लिए, जो मैंने टोटल कमाया, उस टोटल में से इनका हिस्सा हटा देंगे, जो बचेगा वो मेरा आएगा। तो पहले टोटल निकालें। तो सबसे पहले नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालना है, सर सुनना मिलेगा। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स। देखो बच्चे, बेटा आपको पता है नेट ऑपरेटिंग इनकम किसे बोलते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसे बोलते हैं? सर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं ईबीआईटी को, इसको बोलते हैं ईबीआईटी। हाँ सुना है आपने, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। नॉर्मली क्या होता है सर, नॉर्मली आप इसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हो, आप इसमें से क्या करते हो, इंटरेस्ट माइनस करते हो, तो आपका आ जाता है ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें से आप माइनस कर देते हो क्या, टैक्स, तो आपका आ जाता है सर पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर मैं कहूं बच्चे, अगर मैं कहूं कि इस प्रॉफिट में अगर मैं इस वाले प्रॉफिट में, जो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसमें मुझे एक चीज माइनर, देखो दो डिविडेंड तो अभी देना है, उनको तो बच गया, लेकिन इसमें से इंटरेस्ट माइनस हो गया है जो मुझे नहीं दे, मुझे कहना है कि भैया अभी उनको देने से पहले टोटल कितना कमाया, क्योंकि उनका अलग से, उनको मैं माइनस कर रहा हूं ना यहाँ पर, देखो ना ये एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में उनका भी हिस्सा आ जाएगा, तो यहां से भी माइनस कर दिया और यहां से भी माइनस कर दिया, तो दो बार माइनस नहीं हो जाएगा? जी सर दो बार माइनस होगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि सर इनका यहां से माइनस ना हो। तो सर क्या करें फिर, सर टैक्स तो अभी ये नहीं माइनस करेंगे तो टैक्स माइनस नहीं होगा, तो सर एक काम करते हैं, टैक्स माइनस करने के बाद इंटरेस्ट को वापस क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, इंटरेस्ट को वापस क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो मेरा यही आ जाएगा क्या, नो पैट, क्या आ जाएगा बेटा, नो पैट, क्या आ जाएगा, नो पैट, दैट इज नॉट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सिर्फ आपने क्या माइनस किया, टैक्स। तो सर इसका शॉर्टकट लगा सकता हूं क्या मैं, क्या लगाओगे सर शॉर्टकट, क्या मैं शॉर्टकट में ये नहीं बोल सकता, बच्चे जल्दी बोलो, मैं बोलूं कि सर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जितना आ रहा है उसमें से सर आप सीधा माइनस करो क्या, टैक्स, सीधा माइनस कर दो क्या, टैक्स, क्या माइनस कर दो, टैक्स, तो भी तो बात सेम आ जाएगी, तो भी तो बात सेम आ जाएगी, तो भी हम क्या बोलेंगे, नॉट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नो पैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ जी बोलो जल्दी से, बात समझ आ रही है? सर ईबीआईटी में सीधा टैक्स माइनस करो, आपका क्या आ जाएगा, नो पैट आ जाएगा। हाँ जी कोई दिक्कत है, जल्दी बोलो, जल्दी से, पक्का? चलो अब एक काम करते हैं, पहले ये बात हो गई, अब ध्यान सुनना, दूसरी बात मैं करना शुरू करता हूँ बेटा। दूसरी बात क्या है, ये सब मैंने क्लास में कवर करा रखा है, आपको रिवीजन करा रहा हूं मैं। दूसरी बात बेटा, आपने सुन बात कर ली कैपिटल इंप्लॉयड, इस पे कोई डाउट ही नहीं है। सर कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब क्या है, सर वो लोगों का पैसा बिजनेस में जो लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए लगा है, मतलब लॉन्ग टर्म फंड्स, अगर मैं बात करूं तो सिंपल लॉन्ग टर्म फंड्स। तो सर लॉन्ग टर्म फंड्स कौन लोग हैं जो आपको लॉन्ग टर्म पैसा देते हैं? सर सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये आप लिखोगे। फिर आपको कौन पैसा देता है सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्या देते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये लिखो यहां पर। सर फिर क्या हो गया सर, रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी आपकी रिटेन्ड अर्निंग, ये भी आपके लिए लॉन्ग टर्म्स ही होते हैं, एंड सरप्लस।
ये लिख दिया, और सर नॉन करंट लाइबिलिटी बी ऐड कर दो, नॉन करंट लाइबिलिटी बोले तो लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोले तो लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को ना लिख के मैं ऐसे लिख दू, दैट इज लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है। बात वही है, पर इससे ज्यादा पिक्चर क्लियर रहती है, लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो यही क्या आ जाएगा, दैट इज कहीं ना कहीं कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, कैपिटल इंप्लॉयड। बोलो जल्दी से, इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट? सर हमने क्या करा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना था, क्यों? क्योंकि सर उसमें से मुझे वो प्रॉफिट चाहिए जिसमें से अभी इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ, डिविडेंड माइनस, क्योंकि वो अलग से माइनस होगा, तो मुझे वो प्रॉफिट चाहिए जो मैंने धंधे से कमाया, दैट इज बिजनेस से कमाया। उसका कंपैरिजन होना है कि जितना पैसा बिजनेस में लगा है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए उसकी कॉस्ट से। तो पहले लॉन्ग टर्म फंड निकालो कि कितना पैसा बिजनेस में लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लगा है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इस पे क्या निकालना है कि भाई इस पे ओवरऑल देना कितना है, तो ओवरऑल देने का मतलब है तीसरी चीज निकालने जा रहा हूं सर मैं यहाँ पर, तीसरी चीज है सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या है बेटा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं सर, शॉर्ट में बोलते हैं WACC। आपने FM में पढ़ा होगा अच्छे से WACC, पर मेरे कोर्स में है तो सर मैं भी कवर कराऊंगा, ध्यान सुनना। WACC का मतलब क्या है सर, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब सर कहीं ना कहीं बिजनेस में हर किसी का थोड़ा थोड़ा, सबका तो नहीं लगा ना, ऐसा नहीं है कि खाली इक्विटी लगा दिया मैंने, खाली प्रेफरेंस लगा रखाऊंगा या खाली डेब्ट लगाऊंगा, सर हो सकता है मेरा थोड़ा थोड़ा सबका पोर्शन लगाओ। तो सर मैं चाहता हूँ एवरेज हो, मेरा ऑन एन एवरेज पता चले कि किसका कितना लगा है। अब एवरेज का मतलब ये नहीं कि सर सीधा को सबको ऐड करो और सिंपल एवरेज निकाल दो, सर किसी का पोर्शन ज्यादा लगा हुआ है, किसी का पोर्शन कम लगा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पोर्शन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वेट आपको एवरेज निकालना है। चलो शुरू करते हैं। सर आप बताओ लोग कितने हैं, चार लोग हैं। भाई पैसा देने वाला कौन कौन है, एक तो इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर की कॉस्ट जो होती है, इक्विटी शेयर की जो कॉस्ट होती है सर उसे बोलते हैं के, क्या बोलते हैं के, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब के ही कैसे निकालते हैं सर, के ही अगर मैं निकालना बताऊं तो देखो, अगर क्वेश्चन में पहले पहले एक काम कर, चलो ठीक है, के ही जो निकालना है वो हमें निकालना है सीएपीएम मॉडल से। किसे निकालना है, सीएपीएम। तो के ही का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। अब ध्यान सुनना सर, ये क्या मैंने कहा, ये क्या मैंने बात करी, सुनना बच्चे, मैं कह रहा हूं बेटा, मैं एज अ शेयर होल्डर हूं, मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूं, मैं ना एक कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूं, रिलायंस कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूं। अब मैं कह रहा हूं सर अगर मैं विदाउट एनी रिस्क काम करूं, दैट इज मैं सिंपल गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आरबीआई के बॉन्ड्स में पैसा लगा दूं, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में पैसा लगा दूं, दैट इज विदाउट एनी रिस्क, कोई टेंशन नहीं है मुझे, गवर्नमेंट को पैसा तो कोई टेंशन नहीं है, डूबेगा नहीं, क्लियर है। या मैं बैंक में जमा करा दूं, बैंक में तब भी रिस्क है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सर अगर बैंक में भी, गवर्नमेंट बैंक में भी अगर पैसा जमा करा दूं तो मुझे सर वहां पे ना बिल्कुल कोई रिस्क ना लूं, तो सर 8% से रिटर्न तो वहां मिल ही रही है, 8% की कमाई तो वहां पर है ही, क्लियर है। कोई फ्लक्चुएशन का डर नहीं है, कोई फ्लक्चुएशन का डर नहीं है, जमा करूंगा 8% बैंक मेरे को FD पे ब्याज देगी, या फिर मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे मुझे 8% से इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, कोई फ्लक्चुएशन का डर नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ 8% ये। अब मैं कह रहा हूं मैं रिलायंस कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूं, तो रिलायंस इंडस्ट्री, अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहता हूं तो रिलायंस में जो रिलायंस कंपनी के आसपास का जो मार्केट है, दैट इज मैं कहूं स्टॉक मार्केट की बात करूं, तो स्टॉक मार्केट में मैं पैसा लगाना चाहता हूं, अगर रिलायंस इंडस्ट्री में लगाना चाहता हूं इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में मुझे एंट्री लेनी पड़ेगी, और स्टॉक मार्केट में एंट्री लूंगा तो सर स्टॉक मार्केट में जो मार्केट रिटर्न मिल रही है, जो मार्केट कमा रहा है, लोग जो मार्केट में पैसा लगा के कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं 15%, कितना कमा रहे हैं 15%, कि सर वो लोग 15% तक कमा ले रहे हैं, तो सर मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या होगी, रिलायंस कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन होगी, मैं कहूंगा 8% तो भाई मैं कुछ ना करूं तो भी कमा लूंगा, तो भी कमा लूंगा, मार्केट में लगाने से 15% मार्केट में कमाऊंगा ओवर दी रिस्क फ्री, इसका मतलब एडिशनल 8% तो वो, और 15% दैट इज कहीं ना कहीं 7% मार्केट में लगाने की वजह से रिस्क प्रीमियम, कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि रिस्क उठाने की वजह से 7% एक्स्ट्रा कमाई हो रही है ना। देखो 8% तो नॉर्मल कमाई हो रही है, जो मार्केट में लगाऊंगा तो रिस्क आएगा, रिस्क लगाने की वजह से जो मेरे को एक्स्ट्रा कमाई हो रही है वो कितनी है 7%, कितनी है 7%, ये मैं मार्केट में लगा दूं, निफ्टी सेंसेक्स में लगा दूं तो मेरे को 7% कमाई हो रही है। मैंने कहा मैं आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूं, तो आप मार्केट से कितना रिस्की हो, आप मार्केट के इक्वल हो, मार्केट से ज्यादा रिस्की हो, मार्केट से कम रिस्की हो, ये कहीं ना कहीं डिसाइड करता है बीटा।
ये कौन बताता है? बीटा, बीटा है रिस्क फैक्टर। ये कहता है कि कंपनी का बीटा दैट इज बताएगा कंपनी मार्केट से कितना ज्यादा रिस्की है, मार्केट से कितनी ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है इसमें। तो अगर मैंने कहा मेरा बीटा 2 है तो इसका मतलब मैं 2 times रिस्की हूं इन कंपेरिजन टू मार्केट, ठीक है। तो अगर मैंने कहा बीटा 2 है इसका मतलब 7% तो मैं रिस्क ले रहा हूँ मार्केट में एंट्री लेने के लिए, ठीक है। जो मार्केट में मैंने एंट्री ली है तो रिस्क की वजह से 7% तो मेरा एक्स्ट्रा कमाने की इच्छा है, और आप में लगाने का मतलब है डबल डबल रिस्क लेना। तो कहीं ना कहीं आपसे मेरे को जो एक्स्ट्रा चाहिए वो कितना चाहिए? 14%। तो इसका मतलब जो इसको सॉल्व करेंगे 14 + 8 ये आएगा 22%। ये क्या होगी? कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मालिक जब पैसा लगाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर ऐसा पैसा लगाएगा, तो उसका जो रिस्क दैट इज उसका जो कॉस्ट होगी वो इस तरीके से सीएपीए मॉडल से निकाली जाती है। सीएपीए मॉडल से कैसे निकाली जाती है आपके सामने फॉर्मूला मैंने लिख दिया, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इनटू रिस्क प्रीमियम, रिस्क मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री, अरे यार, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा प्लस मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, ठीक है। इनको हम लोग एक नाम से भी बोल देते हैं बेटा, इसको हम एक नाम से बोल देते हैं, इस पूरे को कई बार क्वेश्चन आपको रिस्क प्रीमियम के नाम से ही बोल देता है। क्या बोल देता है? रिस्क प्रीमियम, ठीक है। कि भाई रिस्क लेने की वजह से मैं इतना एक्स्ट्रा चाहता हूँ, इतना प्रीमियम चाहता हूँ, क्लियर है, ठीक है। चलो, तो ये तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात हुई, आगे चलते हैं सर। आगे पॉइंट है बी पॉइंट, दैट इज प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर सर, आप में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, वहां पे आपने केपी निकाला होगा, ठीक है। केपी निकाला होगा और वहां पे पूरा फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिविडेंड रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लाइफ डिवाइडेड फिर डिवाइडेड, अगर मैं पूरा फॉर्मूला लिखूं तो वो है कहीं ना कहीं डिविडेंड रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लाइफ, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टू इनटू 100, ठीक है। ये कहीं ना कहीं केपी निकालने का फॉर्मूला होता है, ये केपी निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। डिविडेंड रेट दैट इज जितना डिविडेंड मिल रहा है प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस जितना हमें इशू करने पे मिला डिवाइडेड बाय लाइफ, ठीक है, प्लस रिस्क डिवाइडेड बाय रिस्क रिस्क रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 2 इनटू 100। तो ये एक फॉर्मूला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं अकाउंट्स में भी काम आएगा, ठीक है। इसलिए मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपने एफएमए कराए तो अच्छा है, नहीं कराए तो बेटा सिर्फ मैंने लिख दिया, बट इसका कोई पर्पज नहीं। समझाना होगा, मैं प्रॉपर समझा सकता हूँ उस फॉर्मूले को, बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ कि सर ये क्या है, इस पर प्रैक्टिस भी करवा सकता हूँ, बट पॉइंट इज कि सर नहीं है हमारे में, ठीक है। अगर लगेगा तो करवाऊंगा, वरना अदरवाइज नहीं है, ठीक है। बाकी मेरे को क्या रहेगा कि सर अगर मेरे को कुछ नहीं बता रहा है तो सर जो उसका डिविडेंड रेट है, जो उसका डिविडेंड रेट है वही हम लोग क्या मान लेंगे सर, वही मान लेंगे हम क्या, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्यों? क्योंकि सर इस केस में अगर मैं बात करूं तो सर हम ये अज्यूम कर लेते हैं डिविडेंड रेट के केस में, डिविडेंड रेट के केस में ये अज्यूम कर लेते हैं कि रिडीमेबल भी पार पे हो रहा है और इशू भी किस पे हुआ है, पार पे हुआ है। रिडीमेबल भी पार पे, इशू भी पार पे है, तो सर उस केस में आप अगर सॉल्व करोगे तो रिडीमेबल भी 100 पे और पार पे भी 100, तो ये 0 हो गया और ये 100 + 100 डिवाइडेड बाय 2 ये भी 100 हो गया। तो रिडीमेबल डिवाइडेड बाय दैट इज डिविडेंड रेट जो आया, जो डिविडेंड रेट आया वही आपका क्या है, वही आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं सर। अगर मैं बात करूं डिवेंचर पे, कहीं ना कहीं मैं लॉन्ग टर्म डेट से बात करूं, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट बोले तो दैट इज केडी, लॉन्ग टर्म डेट बोले तो केडी। केडी का मतलब क्या है? इंटरेस्ट रेट, जो भी आप लगाओगे इंटरेस्ट रेट उसमें कर दोगे 1 - tax rate। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये भाई इंटरेस्ट रेट दैट इज, मैंने कहा कहीं ना कहीं डिवेंचर वालों को मैं इशू करूंगा तो 1 लाख पे 10% से 10,000 रुपए मुझे देना है। मुझे कितना देना है? 10,000 देना है। अब लोग कह रहे हैं क्या ये 10,000 ही मेरी कॉस्ट है? आंसर इज नो बेटा, 10,000 देने की वजह से कहीं ना कहीं टैक्स से पहले दिया जाता है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट दिया जाएगा तो टैक्स की, टैक्स में डिडक्शन मिलती है, इसकी वजह से टैक्स सेविंग हो रही है, इससे वजह से क्या हो रही है, टैक्स सेविंग हो रही है। तो अगर मेरा टैक्स रेट है 30%, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 10,000 के खर्चे से मैंने 30% सेव कर लिया, 30% क्या कर लिया, सेव। तो अल्टीमेट 10,000 गया लेकिन 3,000 बच गया, तो अल्टीमेट नेट अगर मैं देखूं, नेट मेरी जेब से कितना, अगर 3,000 वो नहीं देता तो 3,000 जाता, तो नेट जो मेरे को कॉस्ट पड़ी है वो कितनी पड़ी है, 7। तो इसका मतलब 10% 1 - tax rate दैट इज कहीं ना कहीं 70% मेरे को टैक्स पड़ा, दैट इज 70% मेरे को कॉस्ट पड़ी, वही मेरी क्या होगी, केडी होगी। तो जब भी हम केडी की बात करते हैं तो हम उसे टैक्स रेट से माइनस कर देते हैं ताकि नेट ऑफ टैक्स हो, सेविंग्स इसमें से माइनस हो जाए,
सेविंग्स क्या हो जाए माइनस हो जाए। सर अगर मैं बात करूं रिटेन्ड अर्निंग की, अगर मैं बात करूं रिटेन्ड अर्निंग बोले तो केआर रिटेन्ड अर्निंग, तो सर रिटेन्ड अर्निंग की जो कॉस्ट होती है वो सेम होती है किसकी तरह, केआर की सेम कॉस्ट होती है सर, के कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम मानते हैं हम, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही केआर है। सिर्फ चेंज कब होता है सर, ये चेंज कब होता है, एक केस में चेंज होता है सर जब फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, नए शेयर इशू करूंगा तो कुछ शेयर इशू के खर्चे होंगे, शेयर इशू एक्सपेंसेस होंगे सर, उसकी वजह से मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज हो जाती है, लेकिन रिटेन अर्निंग में कोई खर्चे नहीं होते तो रिटेन अर्निंग की कॉस्ट सेम होती है। लेकिन फॉर दैट इज हम अपने एग्जांपल पर्पस की बात करें तो सर केआर और केई दोनों ही क्या है, सेम है। जल्दी बोलो, अब जल्दी बोलो बेटा, हमने क्या क्या बात करी, सबसे पहले बेटा जल्दी बोलो ईवीए का फॉर्मूला क्या है, ईवीए का फॉर्मूला, ईवीए का फॉर्मूला सर NOPAT दैट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या सीधा बोलो तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय WACC, WACC को मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्ड भी यूज करूंगा, ठीक है। अब मैंने कहा NOPAT कैसे निकालना, NOPAT को निकालने का तरीका या तो आप EBIT में पहले इंटरेस्ट माइनस करो, फिर टैक्स माइनस करो, फिर इंटरेस्ट वापस ऐड कर दो, तो आपका EBIT NOPAT आ गया। ये सिंपल बोलूं तो EBIT में टैक्स माइनस कर दो, EBIT में क्या कर दो, सीधा सीधा टैक्स माइनस कर दो, आपका क्या आ जाएगा, कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा दैट इज NOPAT, क्लियर है। अच्छा अब मैं बात करूं कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में चार चीजें बोलो क्या क्या सर, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग और कहीं ना कहीं डिबेंचर, और क्या है डिबेंचर है। अब सर इनकी कॉस्ट निकालनी है तो हर किसी की अपनी अपनी कॉस्ट है, केई की कॉस्ट निकालनी है तो सीएपीए मॉडल निकालना पड़ेगा। सीएपीए मॉडल क्या बोलता है सर, रिस्क फ्री रिटर्न, इतना तो मुझे कमाना ही कमाना है, प्लस प्लस बीटा, बीटा दैट इज रिस्क फैक्टर, बीटा से मल्टीप्लाई करो किसको, जितना मार्केट रिटर्न दे रहा है, जितना मार्केट में रिटर्न दे रहा है माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, मार्केट में रिस्क लेने की वजह से मैं जितना एक्स्ट्रा कमाऊंगा, जितना एक्स्ट्रा कमाना चाहता हूं उसकी उसको मल्टीप्लाई करो आपकी कंपनी के बीटा से, आपकी कंपनी के बीटा से, तो आपकी जो रिटर्न निकल के आएगी वो क्या होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, बेटा मैंने बोला फॉर्मूला लिखा है बट आपके इतना काम का नहीं है ये फॉर्मूला, ये हम लोग कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे दैट इज कहीं ना कहीं आप FM में निकाल रहे होंगे, अकाउंट्स में नहीं काम पड़ेगा अभी, ठीक है। अगर होता मैं तो इस पे पक्का क्वेश्चन करवाता और बहुत डिटेल में समझाता, बहुत अच्छे से होता, दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अभी अपने को लेना है डिविडेंड रेट जो भी दिया है वही हमारे लिए क्या बन जाएगा, दैट इज केपी बन जाएगा, ये अजम्पशन के साथ कि सर रिडीमेबल और इशू दोनों पार पे हुए हैं, रिडीमेबल इशू दोनों पार पे हुए हैं। सर अगर लॉन्ग टर्म डेब्ट की बात करूं, सर अगर मैं लॉन्ग टर्म डेब्ट की बात करूं, केडी की बात करूं, तो केडी क्या, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट, क्योंकि इंटरेस्ट जाने से मेरे टैक्स में क्या होती है, सेविंग होती है, तो नेट ऑफ टैक्स, नेट ऑफ टैक्स जो आएगा वो मेरी कॉस्ट बनेगी। केआर और केई सेम होगा, फ्लोटेशन कॉस्ट होगी तो दो डिफरेंस आएगा, पर मेरे क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट का कोई बंगा नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ये सबकी अलग अलग कॉस्ट नहीं चाहिए, मुझे सबकी एक चाहिए, तो सर मुझे निकालना है WACC, क्या निकालना है WACC, कहता है WACC निकालने का फॉर्मूला क्या है सर, केई जो निकाल रहे हो उसको मल्टीप्लाई करो वेट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी से कि सर केई कितने इक्विटी पे लगा, ये निकाल दिया, प्लस ऐसे ही केडी को मल्टीप्लाई करो WD पे कि भाई कितने के मैंने डेप्ट लगाए हुए हैं कितने, फिर प्लस करो केडी, केडी के बाद कहीं ना कहीं केपी इनटू वेट प्रेफरेंस शेयर, भाई ये वेट है, वेट इक्विटी, वेट डिबेंचर, वेट प्रेफरेंस शेयर, और डिवाइडेड कर दो सर टोटल से, डिवाइडेड कर दो टोटल वेट से, डिवाइडेड कर दो टोटल वेट से, दैट इज टोटल वेट, ठीक है, और मल्टीप्लाई इंटू दैट इज मल्टीप्लाई, तो वो आपको 100 से कर लेना। अभी कैसे करना है इसकी बात मैं अभी करता हूँ, ठीक है, कैसे करना है अभी इसकी बात मैं करता हूँ, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको वेट के अकॉर्डिंग भी करना, तो आप ऐसे करोगे के इंटू कॉस्ट ऑफ जितने आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है उससे डिवाइडेड बाय प्लस केडी इंटू लॉन्ग टर्म डेब्ट का अमाउंट जो है वो, प्लस केपी इंटू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा इक्विटी शेयर कैपिटल में मैं यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस भी ऐड कर दूंगा, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस भी ऐड कर दूंगा, और डिवाइड कर देना सर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इस पे अभी क्वेश्चन करते हैं, बात क्लियर हो जाएगी, फिर से कोई दिक्कत नहीं है। सर केई को मैंने दोनों क्यों ले लिया सर, क्योंकि सर मेरे केस में केई और केआर दोनों सेम होंगे, तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को दोनों को साथ लेके चलेंगे, ठीक है। मैं इस पर एक क्वेश्चन करवाऊं, जी सर बिल्कुल एक क्वेश्चन करवाओ, चलो मैं इस पर एक क्वेश्चन लेता हूं, मेरे पास यहां पर होगा,
240 पे आ जाते हैं, इस क्वेश्चन में आते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक्स वाई जेड लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर आपको विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है सर। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ के देखना एक बार, कह रहा है एक्स वाई जेड लिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज ऑफ 31 मार्च 2018 को। कहता है शेयर कैपिटल दिए आपको इतने रुपीज की, रिजर्व एंड सरप्लस दिए इतने की, लॉन्ग टर्म डेट दिए इतने अमाउंट के, ट्रेड पेबल दिए इतने के, ठीक है। कह रहा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ये है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इतना है, इंटरेस्ट जो हमने पे किया है वो इतना है, टैक्स रेट है 30%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बता दिया, कॉस्ट ऑफ डेट आपको बता दिया, कॉस्ट ऑफ डेट आपको बता दिया। आपको क्या निकालना है, ईवीए निकालना है, क्या निकालना है, ईवीए निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है ना सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो करें शुरू, जल्दी बोलो। हाँ जी, करें शुरू या ना करें अभी, जल्दी बिल्कुल सर करेंगे, तो सर शुरू करें, चलो शुरू करते हैं बेटा। देखो ध्यान से, सॉल्यूशन है हमारा सॉल्यूशन 22 बेटा, ये सेल्फ मेड बुक में है सॉल्यूशंस, ठीक है। ये क्वेश्चन सेल्फ मेड बुक का है, करते हैं बेटा। इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ईवीए निकालना है, तो फटाक से लिखते हैं सर, जल्दी बोलो। ईवीए नो पैट माइनस, फॉर्मूला क्या है, नो पैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय WACC, ठीक है। अब इसके लिए मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा, तो वर्किंग नोट फर्स्ट जो बनेगा वो बनेगा नो पैट, ठीक है। नो पैट का फॉर्मूला बोलो, जल्दी बताओ। आप लॉन्ग मेथड लगाओगे, शॉर्टकट लगाओगे, सर हम तो शॉर्टकट लगाएंगे। शॉर्टकट क्या है सर, ईबीआईटी में सीधा माइनस करो टैक्स, सीधा माइनस करो टैक्स, बताओ ईबीआईटी कितना है। ईबीआईटी सर जो दिया है वो दिया है 202, कितना है, सॉरी 2202.84। मुझे ना कैलकुलेटर लाना पड़ेगा, दो मिनट रुकना चाहिए। मैं इसको ना पॉज करूं पहले। हाँ जी, मेरे पास आ गया कैलकुलेटर, चलो देखो टैक्स कितना है। अब टैक्स निकालते हैं जल्दी से। हाँ जी, टैक्स है सर, जो टैक्स है, टैक्स रेट कितना है, 30%, तो टैक्स रेट 30% करेंगे, ये आ जाएगा मेरा क्या, नो पैट, क्या आ जाएगा सीधा, नो पैट, ठीक है। तो करो जल्दी से सर, 2202.84 इनटू कितना करना है, 30% माइनस करना है, तो ये आ गया 1541.99, ठीक है। मैंने इसको सीधा कर दिया, 2.84 into 30%, तो ये आ रहा है 60.84 कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा ना, वो सीधा हो जाएगा कितना, 542। थोड़ा राउंडिंग अप चलेगा बेटा, ठीक है, थोड़ा राउंडिंग अप में फर्क आएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा कर लिया। सर अगर मैं इसको लॉन्ग मेथड से करता तो भी आंसर सेम आता क्या, कर लेते हैं सर। देखो ईबीआईटी में आप क्या करते, सबसे पहले जल्दी बोलो 2202.84 माइनस करते इंटरेस्ट, फिर जो आता उसमें माइनस करते टैक्स, और फिर जो आता उसमें, दैट इज वो आपका आता ईबीटी, फिर उसमें आता पैट, और फिर पेट में आप क्या कर देते, इंटरेस्ट प्लस करते। लेकिन इंटरेस्ट जो होता है वो नेट ऑफ टैक्सेस होता बेटा, क्या होता, नेट ऑफ टैक्सेस। कैसे करना है दिखाता हूं, देखो सबसे पहले ये बताओ इंटरेस्ट कितना है सर। इंटरेस्ट जो दिया है ना, वो दिया 13.48, ठीक है। तो ये इसे सॉल्व करूं तो मैं 2202.84, कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है, 13.48 बेटा, मेरे साथ करोगे तो मजा आएगा आपको, ठीक है। 2189.36, इसका 30% निकालो, इसका 30% निकालेंगे तो ये आ रहा है 656.81, इसको मैं माइनस करता हूं तो ये आ रहा है 1532.52। अब ध्यान से मेरे बच्चे, मेरी बात सुना ध्यान से, मैं कहता हूं कि अब इसमें टैक्स प्लस करना है बेटा, टैक्स जो इसमें इंटरेस्ट प्लस करना है, लेकिन इंटरेस्ट ध्यान सुनना, पूरा 13.48 नहीं करोगे, इसको नेट ऑफ टैक्सेस करोगे, तो 13.48 पे 1 माइनस, दैट इज कॉस्ट ऐड करोगे ना आप। अल्टीमेट बताओ ना, आप डिवेंचर को जो देने वाले हो वो क्या देने वाले हो, वो कॉस्ट ऑफ डेट देने वाले हो। कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकाला, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, इसका मतलब आप अगर यहां से माइनस नहीं करोगे तो सर वो दो बार माइनस हो गया, एक बार इंटरेस्ट माइनस हो गया और एक बार इंटरेस्ट उस, और एक बार दोबारा से कॉस्ट ऑफ डेट माइनस होगा, तो आप क्या प्लस करोगे, बेसिकली कॉस्ट ऑफ डेट प्लस करोगे, तो कॉस्ट ऑफ डेट कैसे लिख लेगा, 13.48 1 माइनस 30% टैक्स रेट। तो जल्दी बोलो, 13.48 into 30% माइनस करूंगा तो ये आएगा 9.44, ठीक है। इसको सॉल्व करूं तो ये आ गया 15.32.52 प्लस 9.44, ये आ गया कहीं ना कहीं
1541.96 अप्रोक्स सेम, दैट इज अप्रोक्स कर दूं तो वही आ गया, वहां भी हमने राउंड अप किया था 1542, तो बात तो सेम है ना बच्चे, बात सेम है। आप खुद देखो ईबीआईटी में पहले आपने इंटरेस्ट माइनस किया, फिर टैक्स माइनस किया, फिर पैट में इंटरेस्ट को प्लस किया नेट ऑफ टैक्स, तो सर वो तो अल्टीमेट इफेक्ट खत्म हो गया ना, इन दोनों का इफेक्ट तो कहीं ना कहीं इससे खत्म कर दिया आपने, क्लियर है, खत्म कर दिया, तो आप सीधा सीधा टैक्स माइनस कर दो ना। सर हम तो कभी ये लगाएंगे नहीं, बेटा ये कब लगाएंगे बोलो, मजबूरी कब हो जाएगी मेरी, मजबूरी जब हो जाएगी जब मेरे को क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं दिया होगा और मुझे दिया होगा पैट, मुझे क्या दिया होगा पैट और इंटरेस्ट, क्या दिया होगा इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस, तो फिर मेरे सामने ये होगा कि पैट में सीधा इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस ऐड करूंगा तो भी आ जाएगा मेरा नो पैट, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीके से आपको करके दिखा दिया नो पैट, पर आप एग्जाम में ये लगाओगे ये प्रेफरेबल है, ठीक है, ये प्रेफर है, आंसर दोनों से आएगा लेकिन ये शॉर्टकट है, टाइम बचाएगा, आप तुरंत करोगे। चलो सर अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बताओ नो पैट लिख दिया मैंने, कितना आ रहा है सर, नो पैट आ रहा है 1542। अब आ जाओ जल्दी से कैपिटल एम्प्लॉयड लिखते हैं, वर्किंग नोट टू जल्दी बोलो, कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमें वो दिया या निकालना पड़ेगा, सर वो निकालना पड़ेगा शायद, हमें दिया नहीं है, तो बताओ क्या क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम पे, बिजनेस में क्या क्या पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगा है। सर शेयर कैपिटल लगी है, लिख लो जल्दी से, शेयर कैपिटल, इक्विटी है, प्रेफरेंस, सर फर्क नहीं पड़ता जो भी होगी, अब तो दिया हुआ है सर, जो भी दिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी, सर प्रेफरेंस के बारे में बात नहीं कर रहा, तो इक्विटी होगी कितनी है 981. जल्दी बोलो 46, आगे बढ़ो। उसके बाद क्या है रिजर्व एंड सरप्लस, बताओ रिजर्व एंड सरप्लस कितने, 1313.62, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिखूं तो बताओ ना, कितना आ रहा है, इन दोनों को अगर मैं एक साथ लिखूं तो ये आ जाएगा 981.46 प्लस 1313.62, ये आएगा 2295.08, ठीक है। प्लस और क्या करेंगे सर, और करेंगे लॉन्ग टर्म डेट। सर ये एक साथ क्यों करा बेटा, याद है ना वो वेट निकालूंगा ना WACC में, तो वहां पे ना मेरे को इनको एक साथ ही लेना है, तो वो मेरा काम आ जाएगा। ओके सर, ओके 144. जल्दी बोलो 44, ठीक है, आगे बोलो। सर डेप्ट के नाम पे ट्रेड पेबल, सर लॉन्ग टर्म डेप्ट हो गया, ट्रेड पेबल बताओ, ट्रेड पेबल का मैं कुछ करूं क्या, जल्दी बोलो, क्या ट्रेड पेबल मेरी करंट लाइबिलिटी इनका कुछ होगा, नहीं सर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहा हूं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में सर चार ही चीज आएंगी, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफरेंस है नहीं, तो सर यही आ गया क्या, इसे ही बोल देंगे क्या कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या बोल देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मैं ले लूं तो 2295 प्लस 144.44, तो ये आ गया 2439.52, ठीक है। हाँ जी जल्दी बोलो, कोई डाउट ना, इसमें कोई डाउट नहीं। अब तीसरे में आओ, ठीक है, मैं ये भी लिख देता हूँ, देखो ये भी ऊपर लिख देता हूँ, ये दूसरा भी निकल गया, कितना है 243952, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सर कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो है 2439.52। बस अब WACC निकालना है और आंसर आ गया, आ जाओ WACC निकालते हैं। अब WACC निकालने के लिए पहले आपको वर्किंग नोट थ्री WACC ढूंढना है। WACC ढूंढने के लिए पहले आप इंडिविजुअली कॉस्ट ढूंढो, क्या KE है, सी सर गिवन है, बताओ कितनी गिवन है 12.42, नहीं गिवन होती तो CAPM मॉडल से निकाल लेता। हाँ जी कॉस्ट ऑफ डेब्ट बताओ, KD भी गिवन है, जी सर गिवन है, कोई टेंशन नहीं है, 6.53 नहीं गिवन होती तो सर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट को करता, मेरा इंटरेस्ट रेट आता, उसमें 1 माइनस टैक्स कर देता, मेरा क्या जाता KD आ जाती, दी है तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा तो आ जाओ WACC निकालते हैं। अब ये बताओ 12.42 ये KE की कॉन्सेप्ट है, तो सर इक्विटी शेयर कैपिटल फंड कितना है, सर टोटल फंड जो इक्विटी का फंड है सर वो है ये रहा 2295, तो वेट निकालना ना 2295, वेट मतलब कितना परसेंट लगा है 2295.08 डिवाइडेड बाय टोटल है 2439.52, तो ये तो आ गया इसका, इसमें प्लस करो KE के बाद 6.53% इनटू, देखो डेप्ट का कितना पोर्शन है 144.44 डिवाइडेड बाय 2439.52, मतलब इतना पोर्शन में से इतना कहीं ना कहीं डेप्ट वालों का है और बाकी जो बचा वो किसका है, कहीं ना कहीं इक्विटी का। तो जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से याद करेंगे मेमोरी फंक्शन को यूज करेंगे। जल्दी बोलो 2295.08 डिवाइडेड बाय 2439.82 इनटू 12.42, ठीक है ये आया, इसे मैंने मेमोरी में डाल दिया। उसके बाद 144.44
इंटू डिवाइडेड बाई 2439.52 × 6.53, ये मैंने भी मेमोरी में डाल दिया और टोटल हो गया 12.07%। ये आ गया मेरा, दैट इज KO। ये मेरा क्या आ गया? KO। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आ गई? 12.07। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो तो बात कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम लोग आगे चल सकते हैं। 12.07 है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ 12.07। ठीक है, तो WACC आ गया मेरा 12.07%। तो भाई इतना मुझे देना है। चलो देखो, 2439.52 × 12.07% निकाला तो कहीं ना कहीं 1542 मैंने कमाया। इसमें से 294.45 ये मुझे देना है, तो इसमें से माइनस करके बताओ मेरे लिए जो वैल्यू एडिशन के लिए बचा वो कितना बचा? 1247.55। ठीक है, ये जो पैसा बचा है ये मेरा क्या है? ईवीए। आंसर चेक करें, क्या है आंसर? आंसर है सर कहीं ना कहीं यही आंसर होगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली यही आ रहा है, 1247.55 आ रहा है, इनका 50 आ रहा है। ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेटली हमारा क्या होगा, डिफर करेगा, बट आंसर इज बी। हाँ जी, जल्दी बोलो, बात समझ आई नहीं आई? ईवीए का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया बेटा, जल्दी बोलो। ईवीए का मैंने क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, इसके साथ साथ हमने नोपैट निकालना सीख लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड सीख लिया और सबसे इंपॉर्टेंटली WACC सीख लिया। ठीक है, इसी WACC में एक और कॉन्सेप्ट है सर, मार्जिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बेटा मार्जिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो बच्चे नथिंग, आपके बिजनेस में जितना पैसा लगा है उसकी कॉस्ट निकालो तो WACC। आपको अगर एडिशनल फंड चाहिए, आपको क्या चाहिए? एडिशनल फंड चाहिए, तो उसपे कितनी कॉस्ट जाएगी, उसपे कितनी कॉस्ट जाएगी, दैट इज मार्जिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सर आपका फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, आपको 10 लाख रुपए चाहिए, आप ये देखो 10 लाख रुपए कहां कहां से मैं उठा सकता हूं। मैं इक्विटी से उठा सकता हूं, मैं डेब्ट से उठा सकता हूं, अपनी रिटेन्ड अर्निंग में से निकाल सकता हूं। उस हिसाब से आप अपनी कहीं ना कहीं WACC निकालिए, उसी WACC को क्या बोलेंगे? मार्जिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फॉर सपोज के लिए बेटा अगर मैं कहूं, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको करूं, मैं कहूं कि आपके मॉड्यूल में ही है, मैं क्वेश्चन मॉड्यूल से देखूं, आपको मॉड्यूल में ही परेशान कर रहा था, आपके मॉड्यूल में कहीं ना कहीं लास्ट में होगा ये, मैं जाता हूं इस पे 640। तो ये तो ईवी आ गया, सीपीए मॉडल आ गया, ये सब हम कर चुके हैं, ये शेयर बेस्ड अमेंडमेंट मैंने पढ़ा दिया, वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट आपको मैंने क्लास में करा दिया, ये मैंने कल वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करा दिया। ठीक है, WACC यही होगा कहीं पे, WMCC मार्केट बेस अप्रोच ही रहा, देखो ध्यान से, तो ये है कहीं ना कहीं एक कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ध्यान सुना, WACC के नीचे। अब ये ना कुछ नया नहीं है बच्चे, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो आपके पेन आ गया। हाँ ये सर, ये क्या है, कह रहा है ध्यान से देखो, कह रहा है WACC इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू वेट, कि मार्केट में उनकी कितनी वैल्यू है। ठीक है, मार्केट के कॉस्ट पे निकाल के बेस पे निकालते हैं, बिकॉज द न्यू फंड्स आर टू बी रेज्ड एट मार्केट, दैट इज जो न्यू फंड्स निकालने ना हमें, सिंपल उन जो नया पेन, दैट इज मैं बोलूं कि आपको जो एडिशनल फंड चाहिए, जो एडिशनल फंड चाहिए, उन एडिशनल फंड की कितनी कॉस्ट होगी, उसी कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट। अब इस पे क्वेश्चन ध्यान सुनना, कह रहा है एक फर्म है जिसने चाहती है 10 लाख रुपए एडिशनल फंड रेज करना चाहती है, 10 लाख रुपए फंड रेज करना चाहते हैं, कह रहा है WMCC बता दीजिए, अगर मैं ये पैसा कहीं ना कहीं रेज करना चाहता हूं 75% शेयर होल्डर के फंड से और 25% डेब्ट से। ठीक है, कह रहा है 75% हम इक्विटी से पैसा उठाएंगे और 25% डेब्ट से उठाएंगे, कह रहा है शेयर होल्डर फंड जो टेकिंग किया जाएगा वो रिटेन अर्निंग से निकाला जाएगा और कैपिटल से। शेयर होल्डर फंड में कौन कौन हिस्सा लगाएगा? दैट इज आप अपनी सेविंग्स में से ही पैसा निकालोगे पहले, और फिर अगर नया पैसा आया तो कैपिटल इशू करोगे। कह रहा है ये सोर्सेज हैं, आप सोर्सेज के नाम पे देखो, कह रहा है शेयर होल्डर फंड में अगर आपको 1.5 लाख तक चाहिए तो आपकी कॉस्ट ये पड़ेगी। ये कहीं ना कहीं मार्केट से मेरे को एस्टिमेट मिल गए कि भाई साहब 1.5 लाख से ज्यादा चाहिए तो 14% कॉस्ट पड़ जाएगी, 6 लाख से 9 लाख के बीच के चाहिए तो 17% चाहिए, 1 लाख चाहिए तो 7, ये सारी चीजें इन्होंने कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। बेटा केडी नहीं दिया, क्या दिया? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ध्यान सुनो, कह रहा है
टैक्स रेट कितना है 30%, टैक्स रेट कितना है 30%, रिटेन अर्निंग 1.5 लाख है जो आपको मिल जाएगी, और कंपनी की खुद की कैपेसिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, दैट इज 15%। तो कंपनी कितना चार्ज करने वाली, कंपनी कह रही है कि भैया मैं अपनी जेब से निकालू तो मेरे को 12% का कॉस्ट पड़ जाएगा। कह रहा बाकी जो पैसा चाहिए एडिशनल 1.5 लाख से ऊपर चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं शेयर कैपिटल इश्यू करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, शेयर कैपिटल इश्यू करनी पड़ेगी। अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आपको जो पैसा चाहिए वो पैसा कितना चाहिए, आपको पैसा चाहिए 10 लाख रुपए, कितना चाहिए 10 लाख रुपए, ठीक है, ये टोटल फंड चाहिए। इस 10 लाख में क्या क्या कह रहे हो आप कह रहे हो शेयर होल्डर फंड से लेंगे और डेब से लेंगे, 75% शेयर होल्डर फंड से लोगे और 25% डेब से लोगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ 7.5 लाख रुपए आप कहां से उठाने वाले हो, 7.5 लाख रुपए आप यहां से उठाने वाले हो, और कहीं ना कहीं 2.5 लाख रुपए आप कहां से उठाने वाले हो, यहां से उठाने वाले हो। क्लियर है, पक्की बात है, जल्दी बोलो, ये बात है। अब उसके बाद भी आप ये बोल रहे हो कि सर इसमें भी दो चीजें हैं, इसमें 1.5 लाख की क्या है रिटेन्ड अर्निंग, 1.5 लाख की क्या है रिटेन्ड अर्निंग, 1.5 लाख की क्या है रिटेन्ड अर्निंग, कि आप 1.5 लाख तो आप अपने रिटेन्ड अर्निंग में से उठा लोगे और बाकी जो पैसा उठाओगे वो 6 लाख रुपए कहां से उठाओगे, कहीं ना कहीं शेयर होल्डर के नए पैसा उठाओगे। कितना उठाओगे, शेयर होल्डर से नया पैसा उठाओगे। अब ध्यान सुनना, कह रहा है अब कॉस्ट देखो, अब मैं कॉस्ट देखूं तो सर 1.5 लाख तक तो 12% है, उससे ऊपर जाऊंगा तो सर मेरे को जो पैसा चाहिए वो टोटल चाहिए कितना, टोटल चाहिए कहीं ना कहीं 7.5 लाख रुपए। शेयर होल्डर से कितना चाहिए 7.5, इन्होंने कंसीडर करके, रिटेन्ड अर्निंग कंसीडर करने के बाद इन्होंने बोला है कि 1.5 लाख तक 12% जाएगी, 1.5 लाख से ऊपर जाओगे तो 14% की कॉस्ट जाएगी, 6 लाख से ऊपर जाओगे तो कहीं ना कहीं 17% जाएगी। तो 6 लाख तक कहीं ना कहीं 14, 6 लाख से लेके 6 लाख से 6 लाख, उसके बाद 6 लाख ये होगा 6 लाख 1 से, मतलब अप टू 6 लाख यहां तक कवर होगा, फिर अप टू 6 लाख के बाद 6.01 लाख से होना चाहिए, 6.01 लाख से लेकर 9 लाख तक जाओगे तो 17%। अब ये बताओ, मैं कह सकता हूँ कि 1.5 लाख तक की तो कॉस्ट जाएगी 12% से, उसके बाद जो 6 लाख चाहिए उसकी कॉस्ट कितनी जाएगी 14%, कितनी जाएगी 14, और डेप्ट जो चाहिए वो मुझे 2.5 लाख चाहिए तो 2.5 लाख की कॉस्ट इसमें फॉल करेगी। अब इसमें इंटरेस्ट का रेट अगर 11% है तो अगर केडी निकालना है तो केडी में 11.43%, केडी का क्या 11.43, और टैक्स रेट कितना है 1 माइनस 30%। तो बताओ जल्दी से केडी कितना आएगा सर, 11.43 × 30% माइनस करेंगे तो ये आ गया अप्रोक्स 8%, अप्रोक्स क्या आ गया 8%। इसका मतलब ये आपकी कॉस्ट है, ये आपकी इंडिविजुअल कॉस्ट है। अब इसको आप WACC नहीं निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, WACC निकालो तो सर आप क्या बोलोगे, आप कहोगे भाई 12% की जो कॉस्ट आ रही है वो 1.5 लाख रुपए पे आ रही है, कितने पे आ रही है 1.5 लाख पे, 14% की जो कॉस्ट आ रही है वो कितने पे आ रही है 6 लाख पे आ रही है, और जो 8% की कॉस्ट आ रही है वो कितने पे आ रही है 2.5 लाख पे आ रही है। इनका वेट लो तो आपने कहा 1.5 लाख कितना है टोटल 10 लाख का, करने कहीं ना कहीं 15%, उसके बाद 60%, उसके बाद 25%, उसके बाद 25%। सर यही आपका एडिशनल फंड है, इन्हीं को आप यूज करो तो सर यही आ गया MWACC, दैट इज मार्जिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सॉल्व करो इसे तो 12% को अगर मैं लूं तो 12 × 15% दैट इज 1.8%, ठीक है, प्लस 14 का 60% तो ये आ गया 8.4%, ठीक है, प्लस 8 का 25% तो ये आ गया 2%, ठीक है। तो ये टोटल अगर आप करोगे तो 1.8 प्लस 8.4 प्लस 2 तो ये आ गया 12.2% जो आपकी आएगी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और मजे की बात है ना, आपको पूरा सॉल्यूशन कर लीजिए ये आंसर नहीं मिलेगा, आप अपने इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन देख लीजिए ये आंसर ही नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने आंसर ये दिया है आपको, उन्होंने ये बताया नहीं कि कितना है, उन्होंने बोला फाइंड आउट दी WMCC एट डिफरेंट ब्रेकिंग पॉइंट। कह रहा है आप ना हर ब्रेक पॉइंट पे लगाओ कि 1.5 लाख तक अगर मैं पैसा उठाऊं तो कितना मेरे को ओवरऑल कॉस्ट मिलेगी, तो सर अगर आप 1.5 लाख तक इक्विटीज उठाओगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 25% आपको डेब्ट उठाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं 12% ये पोर्शन होगा और 25,000 इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका भी थोड़ा पोर्शन आएगा। तो वो हर ब्रेकिंग पॉइंट निकाल रहे हैं, हर ब्रेक पॉइंट निकाल रहे हैं कि जहां पर अगर एक ब्रेक पॉइंट लगे, जहां से मेरी कॉस्ट चेंज होनी शुरू हो जाती है, उस कॉस्ट चेंज होने तक मेरा रेट कितना चल रहा है। तो सर उन्होंने पूरी कहानी बना दी है, उन्होंने कहा 1.5 लाख तक है तो 75% है तो इसका टोटल फंड 2 लाख आएगा, 2 लाख पे कॉस्ट कितनी आएगी वो देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 6 लाख दैट इज इतना 75%, 8 लाख, फिर 9 लाख का 75% डिवाइड करा तो 12 लाख, इसका मतलब ये टोटल पॉइंट आ रहे हैं। अब देखो इनमें क्या बन रहा है, 2 लाख बना दिया इन्होंने, फिर कहीं ना कहीं 2 से 8, 8 से 12, 4, 4 से 8, 4 से 12, पहले शेयर होल्डर फंड के बेस से बना दिया बॉन्ड, तो मैं कह सकता हूँ
2 लाख के एक बैंड बन गया, फिर 2 लाख से लेके 4 लाख तक एक बैंड बन गया, फिर 4 से 8 लाख तक एक बैंड बन गया, फिर 8 से 12 लाख तक एक बैंड बन गया। और इसी के बेस पर इन्होंने यहाँ पे काम करा है कि अगर 2 लाख तक निकालूं तो 75% शेयर होल्डर फंड का होगा, 25% ये, तो 75% मतलब कहीं ना कहीं 1.5 लाख, तो 1.5 लाख की कॉस्ट आएगी 12%, और जो बाकी 25,000 जाएगा, 25% बोले तो 50,000, 50,000 की कॉस्ट आएगी 15, तो इसको वेट से मल्टीप्लाई किया तो WMCC। ऐसे ही अगर 2 से 4 जाऊंगा तो अगर मैं बोलूं 4 लाख, 4 लाख इसका मतलब कहीं ना कहीं 4 लाख का 75%, 3 लाख, 3 लाख का कॉस्ट कितनी आएगी 14%, और 1 लाख की कॉस्ट कितनी आएगी 5%, तो इसका रेट निकाला WMCC आ गया। बट सर ये हमें करना ही नहीं है, ये हमें करना ही नहीं है, हमारे कोर्स का पार्ट ही नहीं है। कहीं ना कहीं आप ब्रेकिंग पॉइंट निकालो, आप ये पॉइंट आपसे कोर्स दैट इज आपसे पूछेगा, भाई एक बात बताओ, आपसे ब्रेकिंग पॉइंट पूछने लगा आपसे सॉल्व थोड़ी ना करवाएगा, आपसे एमसीक्यू मांगेगा, तो एमसीक्यू में वो आपसे WMCC दैट इज MWCC निकलवाएगा, मार्जिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ निकाल पाएगा। ठीक है, तो मैं ये बोल दूं कि सर इसमें WMACC वेटेड मार्जिनल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर, ये निकलवाएगा, कहीं ना कहीं आपसे ब्रेकिंग पॉइंट पे नहीं पूछेगा, क्लियर, तो आपको इतना याद रखना है। अच्छा, और इसमें एक छोटा सा पॉइंट है सर, इसका एनपीवी से क्या रिलेशन है, एनपीवी दैट नेट प्रेजेंट वैल्यू से क्या रिलेशन है। सर मैं अगर मार्केट से पैसा उठा रहा हूं तो उस पैसे को इन्वेस्ट करूंगा, तो सर मैं जितना पैसा उठाऊंगा मेरी कॉस्ट क्या होती जाएगी, कहीं ना कहीं कम होती जाएगी। मैं पहले 10 लाख उठाऊंगा तो सर 10% हो, फिर थोड़ी उठाऊंगा तो सर मतलब मार्जिनली दैट इज कहीं ना कहीं फिर 10% से थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, 12-13% होगी, लेकिन कंपेरेटिवली कम हो जाएगी। फिर मैंने कहा और बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, और मैं जितना पैसा ज्यादा लगाता जाऊंगा मेरा एनपीवी शायद बढ़ने लगे। एनपीवी क्या होता है, एनपीवी होता है कि सर नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट इनफ्लो। अब मैंने कहा सर दिखना है, मैंने कहा मैंने 20 लाख रुपए उठाए, पैसा उठाया 20 लाख, और इसको क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में, क्या कर दिया बच्चे, इन्वेस्ट कर दिया। अब ध्यान सुनना, 20 लाख की अगर मैं कहूँ WACC जो है, WACC है 20%, तो इसका मतलब आउटफ्लो जो होने वाला है वो 4 लाख रुपए जाने वाला है। कितना जाने वाला है, आउटफ्लो जो होने वाला है वो कितना जाने वाला है, 4 लाख रुपए। और मैं कह रहा हूँ इन्वेस्ट करूंगा तो इन्वेस्टमेंट से इनफ्लो जो आने वाला है, इनफ्लो आने वाला है कहीं ना कहीं 10 लाख रुपए। ये प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, सबको मैंने मान लिया कि प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ठीक है, तो इसका मतलब नेट जो आया, नेट एनपीवी जो आई वो कितनी आई, 6 लाख। कितनी आई, 6 लाख, क्लियर है, 6 लाख आई। ऐसे ही मैं कहता हूँ चलो एक काम करते हैं, 30 लाख के प्रपोजल पे एक्सेप्ट करते हैं, 30 लाख का नहीं 40 लाख का एक्सेप्ट करते हैं, 50 लाख का एक्सेप्ट करते हैं। सर मेरे पास कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करूं, दैट इज मेरे को 4 ऑप्शन देना सामने वाला, कह रहा 20 लाख लेना 20 लाख ले लो, 30 लाख लेना 30 लाख ले लो, 40 लाख लेना 40 लाख ले लो, लेकिन हर किसी का एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग अलग होगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ सर कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करूं, 20 लाख वाला करूं, 30 लाख वाला करूं, 40 लाख वाला करूं। तो मेरा आंसर सिंपल है सर, जिसका एनपीवी पॉजिटिव हो और जिसका एनपीवी सबसे ज्यादा हो वो एक्सेप्ट करो। अगर नेगेटिव है तो बात ही नहीं होती, सबका पॉजिटिव है तो उसमें जिसका सबसे ज्यादा एनपीवी हो वो एक्सेप्ट करो। इसी पर इन्होंने क्वेश्चन बनाया, देखो यहां से इन्होंने कहा एनपीवी पे कि सर एक लोगन मतलब दैट इज हमें ऑफर मिल रहा है कि 12 लाख का अगर पैसा उठाऊंगा तो 10% की कॉस्ट पड़ेगी, 18 लाख पे उठाऊंगा तो सर एडिशनल कॉस्ट 12% पे पड़ेगी, 28 लाख पैसा मार्केट से उठाऊंगा तो बेटा 16% उठेगी, और 36 लाख पैसा उठाऊंगा तो कितना पड़ेगी, 21%। अब इसको डिसीजन लेना है, तो डिसीजन के लिए उन्होंने बोला कि सर आप निकालो एनपीवी। अब एनपीवी की डिटेल नहीं है, उन्होंने सपोज कर दिया, सपोज का मतलब उन्होंने खुद से मान लिया, कह रहा अगर मैं बोलूं कि 12 लाख पे जो हम 12 लाख पैसा लगाएंगे तो उस पर जो हमारे पे बचत बचेगी, जो हमारे पे सेविंग होगी, दैट इज हमारे पे अल्टीमेट आउटफ्लो आएगा, वो 5 लाख की सेविंग होने वाली है, मतलब सबको जाने के बाद 5 लाख मेरी जेब में आने वाला है। अगर मैं 18 लाख पैसा उठाऊं तो 9 लाख जिस प्रोजेक्ट में लगाऊंगा उससे 9 लाख की रिटर्न आएगी, 28 लाख उठाऊंगा तो 15 लाख की आएगी, 36 लाख उठाऊंगा तो 13 लाख की आएगी। आप बताओ कौन सा करूं। मैं कहता हूं भाई साहब देखो नेट एनपीवी का मतलब क्या है, आउट नेट इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, तो इन कॉस्ट को कंसीडर करने के बाद बच इतना रहा है तो सर जिसमें सबसे ज्यादा बच रहा है वही उठाओ। इसका मतलब क्या उठाओ सर, 15 लाख रुपए, 15 लाख सबसे ज्यादा बच रहा है तो 28 लाख का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो कि भाई मैं 28 लाख उधार लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे 28 लाख जो मैं इन्वेस्ट करूंगा उस पर सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। क्लियर है, तो ये छोटा सा पॉइंट था, WMCC का कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपको ज्यादा इसमें परेशानी रखने वाली बात नहीं है। बाकी कोई मेथड में अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो हम उसको आगे चल सकते हैं। ठीक है, चलो अब मेरा एक आखिरी टॉपिक है बेटा, आखिरी है आपके कोर्स में, दैट इज कहीं ना कहीं वैल्यू एडिड स्टेटमेंट। क्या है वैल्यू एडिड स्टेटमेंट, छोटा सा थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है बेटा। एक वैल्यू एडिड स्टेटमेंट नाम की चीज होती है, VAS बोलते हैं इसे,
वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। बेटा सुनना मेरी बात, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट की बात अगर मैं करूं तो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट क्या होती है बच्चे? हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? नेट प्रॉफिट। सुनते रहना मेरे बच्चों। हाँ जी, बस थोड़ा है ज्यादा मटेरियल आज मेरे पास, आज कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें करानी है तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा जा सकता है, ठीक है, बट सुनते रहना मुझे। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट की बात करूं तो सर मेरे को जो प्रॉफिट लॉस निकलता है, प्रॉफिट लॉस जो बनाता हूं मैं, उससे जो प्रॉफिट निकलता है वो नेट प्रॉफिट निकलता है। नेट प्रॉफिट किसका प्रॉफिट होता है सर? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, किसका प्रॉफिट होता है सर? मालिकों का होता है। किसका होता है? मालिकों का होता है सर। नेट प्रॉफिट जो निकलता है वो अल्टीमेट किसमें बढ़ता है? मालिकों में बढ़ता है। कहीं ना कहीं वो उससे डिविडेंड दिया जाता है, उससे क्या जाता है? डिविडेंड। और जो बाकी बचा वो जो कंपनी अपने पास रिटेन कर लेती है। तो सर आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो उसमें जो प्रॉफिट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो अल्टीमेट सिर्फ किसके लिए है? कहीं ना कहीं ये दिखा रहा हूं कि मैंने मालिकों के लिए इतना प्रॉफिट कमाया, मालिकों को सबको देने के बाद मैंने मालिकों के लिए इतना कमाया। बट सर जब वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट आया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा यार एक बात बताओ, क्या आपके बिजनेस में सिर्फ मालिक ही इंपॉर्टेंट है? क्या उन्हीं का क्रूशियल रोल है, बाकी किसी का रोल नहीं है? क्या एम्प्लॉयज कोई रोल प्ले नहीं करते? क्या गवर्नमेंट कोई रोल प्ले नहीं करते? क्या फाइनेंसर कोई रोल प्ले नहीं करता? क्या आप उनको कुछ नहीं पे करते हो? मैंने कहा सर वो बिल्कुल रोल प्ले करते हैं, बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तो कहता है सर एक स्टेटमेंट बनाओ, एक स्टेटमेंट बनाओ और उनको भी बताओ, उनको भी बताओ कि सर एज अ कंपनी उनको कितना पे कर रही है, उनको कितनी चीजें दे रही है, सैलरी मतलब अपने वर्कर्स को कितना, अपने एम्प्लॉयज को कितना कॉन्ट्रीब्यूट इस साल हमने पे किया है, उन्हें कितनी सैलरी दी है, कितना वेजेस दिए, कितने बेनिफिट्स दिए, हमने गवर्नमेंट को कितने टैक्सेस पे किए, हमने फाइनेंसर को कितना इंटरेस्ट पे किया है, हमने अपने शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दिया है और हमने अपने लिए कितना बचाया है। तो वो बेसिकली पांच लोगों को अलग से बात करता है। वो कितने की बात करता है? पांच लोगों को। जो अपडेटर ने अपडेशन है उसमें हिसाब से पांच लोगों को मेनली उन्होंने कवर किया है। आप पांच लोगों को याद रखोगे सर, पांच, दैट इज कितने? पांच। पहला कहता है वैल्यू स्टेटमेंट आप एक ऐसा प्रॉफिट निकालोगे, ऐसे प्रॉफिट निकालोगे जो अल्टीमेट ये बताएगा कि इस प्रॉफिट को इन पांच लोगों में कितना कितना बांटना है। तो सर इसमें कौन कौन है? सबसे पहले एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, ठीक है। आप ये बताओगे कि आपने टोटल कितना पूरे साल में एम्प्लॉयज और वर्कर को दिया। फिर आप बताओगे कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट को बताओगे कि सर गवर्नमेंट को आपने कितने टैक्सेस पे किए। फिर आप बताओगे फाइनेंसर को जो आपको फाइनेंस लोन दे रहा है उसको बताओगे कि आपने उसे कितना इंटरेस्ट वगैरह दिया। फिर आप बताओगे शेयर होल्डर्स को कि शेयर होल्डर्स को आपने कितना डिविडेंड दिया। और फिर कंपनी, कंपनी अपने लिए, दैट इज कंपनी ने अपने लिए कितना क्या बचाया। तो ये बताओ इनको क्या मिलता है सर? इनको मिलती है सैलरी, वेजेस, बोनस, इंसेंटिव एटसेट्रा। गवर्नमेंट को क्या मिलते हैं? टैक्सेस, ठीक है। फाइनेंसर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। शेयर होल्डर्स को क्या मिलते हैं? डिविडेंड। और कंपनी अपने लिए क्या रखती है? रिटेन्ड अर्निंग। कंपनी अपने लिए क्या रखती है? रिटेन्ड अर्निंग। तो आपको एक ऐसा प्रॉफिट निकालना है जो इन सबसे पहले हो, बिफोर हो, दैट इज इन सबको देने से पहले हो, ताकि ये पता चले कि आपने प्रॉफिट जो कमाया वो इन लोगों के लिए कितना कितना कमाया, उस प्रॉफिट में से कितना परसेंट इनको दिया, कितना परसेंट टैक्सेस दिए, कितने परसेंट इंटरेस्ट दिया, कितना परसेंट डिविडेंड दिया और कितना परसेंट अपने लिए बचाया, ताकि हर किसी को पता चले कि कंपनी में उनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, कंपनी के प्रॉफिट में उनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो एक स्टेटमेंट बनाते हैं विच इज ऑप्शनल, दिस इज नॉट मैंडेटरी। ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। तो अगर मैं बोलूं ये प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, तो आपको अगर मैं प्रॉफिट बताऊं तो सिंपल कुछ नहीं है बच्चे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फॉर्मेट आपको बस याद रखना है सर, पहले आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता था, अभी एमसीक्यू बेस है तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ आपसे कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल बातें पूछेगा वो, तो मैं थ्योरेटिकल बातें कराऊंगा। सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लीजिए कि आपको सेल्स के लिए कितनी कमाई हुई है, टोटल कमाई कितनी हुई है, प्लस आप इसमें अदर इनकम भी एड कर दीजिए, अदर इनकम भी एड कर दीजिए, तो सर आपकी टोटल आ गई, आपकी टोटल आ गई। अब उसमें से माइनस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ वॉट, गुड्स एंड सर्विसेज। सर गुड्स को खरीदने में और उनसे रिलेटेड सर्विसेज में कितना खर्चा हो गया, कितना खर्चा हो गया? तो सर आपको जितनी कमाई हुई उसमें से सिर्फ गुड्स से रिलेटेड खरीदने में और सर्विसेज से रिलेटेड, जो उसको गुड्स को बना, गुड्स को कहीं कहीं एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया, सिर्फ ये सब चीजें करने के बाद जो आपका आएगा सर, इसे ही मैं बोल दूंगा ग्रॉस वैल्यू एडिट। ग्रॉस वैल्यू एडिट की इतना हमने वैल्यू एडिशन किया अपने फॉर्म बिजनेस में, और उसमें से अगर डेप्रिशिएशन माइनस कर दो तो सर ये भी क्या आ गया, कहीं ना कहीं नेट वैल्यू एडिट आ गया। क्या आ गया? नेट वैल्यू एडिट, नेट वैल्यू एडिट।
नेट वैल्यू एडेड, मतलब यही वो वैल्यू है जो आप ये पॉइंट को, इस वैल्यू एडिशन को, जो नेट वैल्यू आपने जो कमाई है, इस वैल्यू को ही आप छह लोगों में क्या करोगे, सॉरी पांच लोगों में बांट के दिखाओगे कि इस वैल्यू एडिशन में कितना एम्प्लॉय को गया है, कितना फाइनेंसर को गया है, कितना गवर्नमेंट को गया है, कितना शेयर होल्डर को गया है, और कितनी रिटेन्ड अर्निंग है, कितना कितना परसेंट। तो जो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट है वो दो पार्ट में बनाई जाती है। पहला पार्ट होता है आप ये निकालते हो कि उनके लिए कितना कमाया, और दूसरा पार्ट होता है उनपे कितना एप्लीकेशन, मतलब इस प्रॉफिट का कहाँ कहाँ कितना कितना एप्लीकेशन दैट इज यूज किया है। क्लियर है? तो आपको एमसीक्यू पर्पस के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताऊं, आपको एमसीक्यू में क्या याद रखना है, क्या वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, जल्दी बोलो मेरे साथ में, कोशिश करना है बोलने की। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? सर ऑप्शनल है। क्या है ये? ऑप्शनल है। कितने लोगों के लिए बनाई जाती है? पांच। कितने लोगों के लिए बनाई जाती है? पांच। जल्दी बोलो कौन कौन, जल्दी बोलो ना सर। पहला एम्प्लॉय, दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा फाइनेंसर, चौथा शेयर होल्डर, पांचवा दैट इज आपकी कहीं ना कहीं बिजनेस रिटेंड अर्निंग। ठीक है, कैसे बनाना है? सर आप वैसे ही सारी इनकम ले लो, सारी इनकम में से सिर्फ गुड्स को खरीदने में और गुड्स से रिलेटेड जो सर्विसेज है उनको माइनस कर दो। ठीक है, इंप्लॉयज को छोड़ दो सर, इंप्लॉयज का खर्चा छोड़ दो, इंटरेस्ट का छोड़ दो, ये छह पांचों लोगों की चीजें छोड़ दो, बाकी सब खर्चा माइनस कर दो। तो जो आएगा वो आएगा ग्रॉस वैल्यू एडिट, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, क्या जाएगी? नेट वैल्यू एडिट। फिर उस नेट वैल्यू एडिट को अपोर्शन करके दिखा दो कि उसमें इंप्लॉय को कितना दिया, फाइनेंसर को कितना दिया, गवर्नमेंट को कितना दिया, शेयर होल्डर को कितना दिया, और अपने लिए कितना बचाया। सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ग्रॉस वैल्यू एडिट में नेट वैल्यू एडिट कैसे निकालनी है, तो ग्रॉस वैल्यू एडिट में डेप्रिसिएशन माइनस करोगे क्या जाएगी आपकी नेट वैल्यू एडिट। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे नेट आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कितनी बातें कर ली सर? तीन बातें कर ली, जल्दी बोलो। ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट कर ली, ईवीए कर लिया, और वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कर ली। सर आखिरी बात में जो आपके साथ करने जा रहा हूं वो है कॉस्ट ऑडिट रूल्स। बेटा आपके मॉड्यूल में कॉस्ट ऑडिट रूल्स की अगर मैं बात करूं तो मॉड्यूल में कॉस्ट ऑडिट रूल जो है वो आपको ये दिए गए हैं। ठीक है, ये हैं कॉस्ट ऑडिट रूल्स। अगर मैं यहाँ पे आऊं तो यहां से शुरुआत होते हैं कॉस्ट ऑडिट रूल्स। ठीक है बेटा, बेसिकली जो आपके मॉड्यूल में दिए वो रूल्स दिए 2014। अब मैं आपको बताऊं आपका इंस्टीट्यूट महान है, क्या करा जाए, ये रूल्स खत्म हो चुके हैं, अमेंडेड हो चुके हैं, रूल्स 2016 आ चुके हैं, और इवन 2016 में भी अमेंडमेंट हो गए, 2017 आ चुके हैं, लेकिन आपका इंस्टीट्यूट इनको रखा हुआ है तो मेरी मजबूरी है इनको पढ़ाना। अमेंडमेंट है इनमें, थोड़ी बहुत अमेंडमेंट है, लेकिन सर हमारे मॉड्यूल ने अभी तक नहीं चेंज किया है, तो मैं आपको नए वाले रूल्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं यही रूल्स के बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लूंगा। इसमें ही अमेंडमेंट है बस, बेसिकली हमारे लिए कोई ज्यादा अमेंडमेंट है नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे को इतनी डीप में जाके नहीं पढ़ना, अमेंडमेंट जो है वो कॉस्ट ऑडिटर्स के लिए है। ठीक है, मैं आपके साथ धीरे धीरे बातें करूंगा, जल्दी जल्दी इस रूल्स को खत्म करेंगे। बस आपको याद रखना है इसमें से दो से तीन नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आ गया। ठीक है, ध्यान सुनना सर, इसमें सबसे पहली बात, ये रूल्स जो है 2014 में कब आए? 30 जून 2014। ठीक है, डेट याद रखनी है, 30 जून 2014 में आए हैं ये रूल। इनमें रूल नंबर वन तो हमारा कहीं ना कहीं टाइटल्स का, रूल नंबर टू में डेफिनेशन है, जिसमें डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है सर? कॉस्ट ऑडिटर कौन है? सर कॉस्ट ऑडिटर कौन है? सर कॉस्ट ऑडिटर ना कंपनी सेक्रेटरीज वाले हैं, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये कौन है? कॉस्ट ऑडिट अकाउंटेंट है जो प्रैक्टिस में है, कॉस्ट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में है। और कॉस्ट अकाउंटेंट और प्रैक्टिस में कौन माना गया है? सर कॉस्ट अकाउंटेंट माना गया जो कहीं ना कहीं CWA है, जो कौन है? CWA प्रैक्टिस में है सर, चाहे वो फर्म भी हो सकती है, LLP भी हो सकती है, कॉस्ट अकाउंटेंट की फर्म या LLP या इंडिविजुअल कॉस्ट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में है सर, वो आपको कॉस्ट अकाउंटेंट माना जाएगा, और वही कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। तो आपके अगर आपके एमसीक्यू में आ गया क्या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस अपॉइंट हो सकता है, आंसर इज नो। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस अपॉइंट हो सकता है, आंसर इज नो। क्या कॉस्ट अकाउंटेंट इन सर्विस अपॉइंट हो सकता है, आंसर इज नो। क्या कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस अपॉइंट हो सकता है, आंसर इज यस। क्लियर है? ओके, अच्छा कॉस्ट अकाउंटेंट भी कौन होना चाहिए? क्या हमारा कोई ICMI दैट इज कहीं ना कहीं मैं कहूं अगर That is, जो इंटरनेशनल अकाउंट कॉस्ट अकाउंटेंट है क्या उनके अपॉइंट कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं? नो, ये हमारा ICWA इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो मेंबर है वो अपॉइंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है जो कॉस्ट ऑडिटर साइन करेगा, और ये सब चीजें इसमें अटैचमेंट वगैरह, नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, अगर उसे कुछ कोई भी क्वालिफिकेशन लगती है, कोई भी दिक्कत लगती है, या उसने कोई ऑब्जर्व किया, क्वालिफिकेशन मतलब होता है उसमें कोई उसको एडवर्स पॉइंट लगता है, उसको लगता है कि ये चीज अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, तो वो उसको वहां पे मेंशन करेगा, वो सब उसमें इंक्लूड होगा, वो सब क्या आएगा, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट आएगा। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखनी है आपको।
अब मैं आपके साथ में कॉस्ट रिकॉर्ड डिस्कस करने वाला हूँ, रूल थ्री और रूल फोर। देखो रूल थ्री जो है वो हमारा कहीं ना कहीं कॉस्ट, मैंने एक चार्ट बनाया आपके लिए सिंपल, इस चार्ट को ध्यान से सुनो, मैं आपको ये चार्ट बड़ा कर दूं, इस चार्ट में हमने सब कवर कर लिया है, ध्यान सुना सर। रूल थ्री और रूल फोर है, रूल थ्री हमारा बेसिकली जो है, रूल थ्री जो हमारा बेसिकली है वो है किसके ऊपर सर, वो है कॉस्ट रिकॉर्ड्स के ऊपर। किसके ऊपर है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स, किन किन कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, और रूल फोर है कॉस्ट ऑडिट, किन कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट करवानी है। तो सर ध्यान से सुनना सर, जो कंपनी SEZ दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन से ऑपरेट कर रही है बिजनेस, या वो कंपनी जो कहीं ना कहीं अपने रेवेन्यू का, टोटल रेवेन्यू का 75% से ज्यादा, सर ज्यादा है, इक्वल नहीं है, ज्यादा है, ज्यादा दैट इज मोर देन 75% एक्सपोर्ट से कमा रही है, ठीक है, या तो SEZ से ऑपरेट कर रही है, या उनका रेवेन्यू का, टोटल रेवेन्यू का 75% रेवेन्यू, एक्सेप्ट टोटल रेवेन्यू का 75% से ज्यादा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से फॉरेन करेंसी में जनरेट हो रहा है, तो उनको कभी भी कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, That is rule for applicable नहीं, क्लियर है, याद रहेगा सर। देखो ध्यान से, मैंने लिखा कि सर अगर कंपनी SEZ से ऑपरेट कर रही है, या कंपनी का रेवेन्यू अगर 75% से ज्यादा है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू से 75% से ज्यादा है, तो उनको कभी भी दैट इज कॉस्ट ऑडिट करवाने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, कॉस्ट रूल फोर नहीं लगेगा, रूल थ्री लगेगा उन पर, सिर्फ रूल थ्री लगेगा, उन्हें रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, रिकॉर्ड कब मेंटेन करने पड़ेंगे, जब उनकी 35 करोड़ या उससे ज्यादा ओवरऑल टर्नओवर है, ओवरऑल टर्नओवर, बेटा रूल थ्री के अंदर बता दूं, रूल थ्री का एक ही रूल है, 35 करोड़ या उससे ज्यादा अगर आपके टोटल टर्नओवर एक्सीड कर रही है तो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, क्या कौन से कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करे जाएंगे वो रूल फाइव में बताएंगे, ठीक है, वो रूल फाइव में बताए जाएंगे कि कौन से कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने। लेकिन अगर आपकी कोई भी कंपनी, मैं रूल थ्री सिंपल बोल रहा हूँ, रूल थ्री सिंपल है सर, कोई सी भी कंपनी है अगर आपकी टोटल टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा एक्सीड कर रही है प्रीसीडिंग ईयर में, तो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो आपको क्या करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है। लेकिन SEZ से ऑपरेट कर रही हो या आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू 75% से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर अदर कंपनी, इनके अलावा कोई कंपनी है, इवन फॉरेन कंपनी, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी है, तो सर उन्होंने डिवाइड किया रेगुलेटेड सेक्टर और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, लिस्ट में शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप में सर, उसमें कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ 8 सेक्टर हैं सर, जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह गवर्नमेंट ने अपने अंदर रेगुलेटेड रखे, सुगर वगैरह दैट इज गवर्नमेंट ने अपने अंदर रेगुलेटेड रखे, तो कुछ रेगुलेटेड सेक्टर है और कुछ बाकी जो बचेंगे वो नॉन रेगुलेटेड है, तो आपको रेगुलेटेड सेक्टर की मैं लिस्ट भेज दूंगा, आप उनको याद रख लोगे, रेगुलेटेड सेक्टर और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर मैं भी दिखा भी दूंगा अगर आपको देखना होगा तो, वैसे मैं भेज दूंगा। रेगुलेटेड सेक्टर और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में डिवाइड किया, कहता जो रेगुलेटेड सेक्टर है उन पे लिमिट अलग लगाई है, दैट इज उनको कहा है कि अगर आपकी ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ से एक्सीड करती है, सॉरी 50 करोड़ से एक्सीड करती है तो आपके ऊपर रूल 4 की बात होगी, रूल 4 की बात होगी, अदरवाइज रूल 4 नहीं लगेगा, अदरवाइज रूल 4 नॉट एप्लीकेबल, दैट इज ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप रेगुलेटेड सेक्टर में हो, रेगुलेटेड सेक्टर में हो और आपकी टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा एक्सीड कर रही है तो आपको ऑडिट की बात होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। 35 करोड़ से ज्यादा है तो आपको सर, 35 करोड़ या उससे ज्यादा है तो रूल 3 एप्लीकेबल होगा, रिकॉर्ड तो मेंटेन करने इन एनी केस, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 35 करोड़ से ज्यादा है तो रूल 3 लगेगा, दैट इज रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, 35 करोड़ से कम है तो कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, 50 करोड़ से ज्यादा है तो चेक करना पड़ेगा क्या किसी प्रोडक्ट, अगर आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील करते हो, अगर आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील करते हो तो अगर आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील करते हो तो आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज की टोटल, दैट इज इंडिविजुअल प्रोडक्ट या सर्विस की टर्नओवर अगर 25 करोड़ से एक्सीड करती है तो उस प्रोडक्ट के लिए, उस प्रोडक्ट और सर्विस के लिए आपको कॉस्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा मैं हूँ डाबर कंपनी, मेरे पास 3 तरीके की मैं सेगमेंट में डील करता हूँ, मेरा फार्मा सेगमेंट है, मेरा कहीं ना कहीं ब्यूटी प्रोडक्ट भी है, और मेरा कहीं ना कहीं फार्मा हो गया, ब्यूटी हो गया और हेल्थ केयर भी हो गया। तो मैंने कहा सर मेरे में टोटल टर्नओवर तो 1 करोड़, टोटल टर्नओवर तो कहीं ना कहीं 90 करोड़ की है, लेकिन एक की 30 करोड़ है, एक की 20 करोड़ है और एक की बाकी 40 करोड़ है, तो सर क्या कॉस्ट ऑडिट सब पे लग जाएगी? आंसर इज नो, 30 और 40 पे लगेगी, 20 वाली पे नहीं लगेगी, दैट इज इंडिविजुअल प्रोडक्ट की भी 25 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, क्लियर, याद रहेगा। नॉन रेगुलेटेड में भी सेम कंडीशन है, बस लिमिट बढ़ा के उन्होंने यहाँ पे 50 की जगह डबल कर दिया 100 और 25 की जगह 35 कर दिया, 100 25 की जगह क्या कर दिया 35, क्लियर है। तो कोई टेंशन नहीं है, जल्दी बोलो रूल 3 खत्म।
बेटा आपकी कोई भी कंपनी है, चाहे वो SEZ में ऑपरेट करती है, एक्सपोर्ट करती है, रेगुलेटेड है, नॉन रेगुलेटेड हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर 35 करोड़ या उससे ज्यादा, प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, प्रीवियस ईयर में टर्नओवर है टोटल, तो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, रूल 5 के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। रूल 5 बताएगा कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने। रूल 4 क्या बोलता है, ऑडिट। देखो ऑडिट किसे करवाना है, ऑडिट सर SEZ में जो ऑपरेट कर रहा है या जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू 75% से ज्यादा जनरेट कर रहा है, सर उसको तो बात ही नहीं करना। अगर नहीं कर रहा है तो दैट इज इस केस में आएगा रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड। अगर रेगुलेटेड है तो 50 करोड़ से ज्यादा कर रहा है तो ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगी, अगर 100 करोड़ से ज्यादा है तो ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगी। लेकिन ऑडिट किस पर एप्लीकेबल होगी सर, अगर इंडिविजुअल एक ही प्रोडक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज में डील कर रहे हो तो सर जिस प्रोडक्ट और सर्विस के लिए रेगुलेटेड सेक्टर में 25 करोड़ या 25 करोड़ से ज्यादा है उस पर ऑडिट एप्लीकेबल होगी, अगर नॉन रेगुलेटेड है तो 35 करोड़ या 35 करोड़ से ज्यादा है तो आपके ऊपर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगी। सर क्या स्टैचुरी ऑडिट, बेटा स्टैचुरी ऑडिट की बात नहीं हो रही, स्टैचुरी ऑडिट लगे लगे ये कॉस्ट ऑडिट की बात हो रही। ठीक है, तो रूल 3 रूल नंबर 4 कर दिया मैंने। रूल 5 में अगर आप आओगे तो मैं यहीं से कवर कर देता हूँ। सर रूल 5 में आपको ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, रूल 5 में ये अभी मैं सेक्टर की लिस्ट भेज दूंगा। सर रूल 5 में आपको ये बताएगा कि वो किस किस रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, सारी यूनिट सारी ब्रांचेस के रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। अगर मैं आपको डिटेल बताऊं तो सर वो कहता है ये रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं जो आपको रेगुलर बेसिस में, ताकि आप कहीं ना कहीं ये चीजें कर सको। क्या सर आप उसकी कैलकुलेशन कर सको, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ सेल, मार्जिन, कितना प्रॉफिट कमा रहे हो हर एक प्रोडक्ट का, कितना आप को प्रोडक्शन कॉस्ट है, आपको कहीं ना कहीं पर यूनिट कॉस्ट कितनी जा रही है, मटेरियल कॉस्ट कितनी है, लेबर कितनी है, ओवरहेड कितने हैं, इनडायरेक्ट में दैट इज फैक्ट्री के कितने हैं, लेबर के एडमिन ऑफिस के कितने हैं, सेलिंग के कितने हैं, दैट इज ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, और ये रिकॉर्ड बेटा जिस भी कंपनी है उसके सारे यूनिट्स और ब्रांच के रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। फॉर्म में भी बात करेंगे, फॉर्म CRA 1 है, फॉर्म में बात करेंगे, आपको ये रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं जिस दिन से आपके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, और आपको सही तरीके से रखने हैं। तो ये रूल नंबर 5 था, कोई दिक्कत नहीं है। रूल नंबर 5, रूल नंबर 6 में आते हैं। रूल नंबर 6 जल्दी बोलो, रूल नंबर 1 क्या था, नॉर्मल टाइटल और कमेंसमेंट कब से लगेंगे रूल, रूल नंबर 2 डेफिनेशन था, रूल नंबर 3 रिकॉर्ड्स के ऊपर है, रूल नंबर 4 कॉस्ट ऑडिट के ऊपर है, रूल नंबर 5 क्या रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, और रूल नंबर 6 है कि कॉस्ट ऑडिट कैसे होगी। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट कैसे होगी। सर कॉस्ट ऑडिट के लिए आपको सिंपल बात याद रखना है, बेटा मैं मार्कर ले लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे हाईलाइट करना पड़ेगा। मैं आपके सामने ये रहा मेरा मार्कर, मैं इसको मार्कर ले लेता हूँ। हाँ जी, अब ध्यान सुनना सर, अगर मैं कॉस्ट ऑडिट की बात करूँ तो सर कॉस्ट ऑडिट में आपको कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना है विद इन 180 डेज। विद इन 180 डेज, कितने दिन, 180 डेज के अंदर। कहां से, जहां से आपका ईयर शुरू हुआ है। अगर 1 अप्रैल 2019 में खड़ा हूं तो सर 1 अप्रैल 19 में 180 दिन के काउंट करिए, 180 डेज के अंदर अंदर आपका ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। और ये कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। कहां करेंगे, बोर्ड मीटिंग में करेंगे। और जैसे ही अपॉइंटमेंट होगी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कॉस्ट ऑडिटर को कि भाई साहब आप अपॉइंट हुए। तो मैंने हिज और इट्स लिखा है। हिज मतलब कोई आप इंडिविजुअल ऑडिटर भी अपॉइंट कर सकते हो, या कोई कॉस्ट ऑडिटर फॉर्म्स भी अपॉइंट हो सकती है, फॉर्म या LLP अपॉइंट हो सकती है। तो सर 180 डेज जहां से आपका ईयर स्टार्ट हुआ है उसके 180 दिन के अंदर अंदर आपको कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है, उस ऑडिटर को आपको इंटीमेट करना है। साथ में सर, साथ में आपको कहीं ना कहीं साथ में आपको, अगर मैं बात करूं इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूं, अगर मैं साथ में बात करूं तो आपको कंपनी को बेटा अपॉइंटमेंट की नोटिस देना पड़ेगा। किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको देना पड़ेगा बच्चे, सेंट्रल गवर्नमेंट। जिस दिन वो अपॉइंट होगा दैट इज कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंंट को भी एक नोटिस देना पड़ेगा। CRA फॉर्म में देना पड़ेगा नोटिस, पहले बताना पड़ेगा आपको। मैं बताता हूँ 30 डेज के अंदर, कितने दिन के अंदर ये नोटिस देना है सर, 30 दिन के अंदर बोर्ड मीटिंग, जिस दिन बोर्ड मीटिंग हुई है, जिस दिन वो अपॉइंटमेंट हुआ है, जिस दिन बोर्ड मीटिंग हुई उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा, या आपका 180 दिन के अंदर अंदर आपको बताना पड़ेगा। देखो अगर अपॉइंटमेंट हो गई है तो 30 दिन के अंदर अंदर कर दीजिए, नहीं हुई है तो आपको 180 दिन वैसे टाइम पीरियड खत्म हो गया, आपको तब भी बताना पड़ेगा कि आपने क्यों अपॉइंटमेंट नहीं करी, अपने अभी तक अपॉइंटमेंट क्यों नहीं करी। सर पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह लगेगा, वो अलग चीज है, वो हमारी बात की नहीं है। पर पॉइंट ये सर, विच एवरेज अर्लियर, या तो बोर्ड मीटिंग हो गई या 180 दिन पहले होने वाले, जो भी होने वाला है सर उससे पहले पहले आपको क्या करना है, नोटिस देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उसका अपॉइंटमेंट हुई है या नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है।
दैट इज अपॉइंटमेंट बतानी पड़ेगी। जल्दी बोलो, जिस दिन मेरा ईयर स्टार्ट हुआ उसके 180 दिन के अंदर अंदर बोर्ड मीटिंग करा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहीं ना कहीं ऑडिटर को अपॉइंट कर लेंगे, ऑडिटर को अपॉइंट करते ही ऑडिटर को इंटीमेट कर देंगे कि आप अपॉइंट हो गए, और साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस दे देंगे कि 30 दिन के अंदर अंदर आपने अपॉइंटमेंट कर लिया, ठीक है। या ये 30 दिन ध्यान रखना है, 180 दिन से ज्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए, दैट इज 30 दिन या 180 दिन, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो रहा है उसके अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा, ठीक है सर। इंटीमेट करने के बाद ऑडिटर कितना कब तक रहेगा ऑफिस में, सर आपका साल जब खत्म होगा, 1 अप्रैल 2019 को मैंने अपॉइंटमेंट दैट इज ईयर शुरू हुआ, 31 मार्च 2020 को खत्म हुआ, उसके 180 दिन तक वो कहीं ना कहीं ऑफिस होल्ड करेगा, दैट इज वो कितने दिन तक, 180 दिन तक, या जब वो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दी, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। या तो उसने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दी, That is audit report submit कर दी तो, या फिर 180 दिन। जैसे मैं कहूं कि सर अगर मैं यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन बोल दूं, मैं कहूं कि मैंने कहा 31 मार्च 2020, ठीक है, तो मैं 180 दिन अगर रफली लूं तो कहीं ना कहीं 30 जून 2020 को खत्म हो रहे हैं, ठीक है। अगर उसने ऑडिट रिपोर्ट 1 मई 2020 को दे दी है तो वो यहां तक जा सकता है, यहां तक जा सकता है, वरना उसे 180 दिन दैट इज यहीं तक ऑडिटर्स अपने रिपोर्ट करेगा, दैट इज मैक्स टू मैक्स कितना जा सकता है, इतना। तो विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, या तो वो 180 दिन तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है, या जिस दिन उसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दी है वहां तक, ठीक है, उसके बाद फिर से उसकी अपॉइंटमेंट दोबारा से होगी। अब ध्यान सुनना, कह रहा अगर कोई कॉजल वैकेंसी आ गई, वो इसकी डेथ हो गई, इसने छोड़ दिया, कुछ भी रीजन हुआ सर कॉजल वैकेंसी आ गई, तो 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर उसकी कॉजल वैकेंसी फिल करेंगे, और फिर 30 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करेंगे कि उसकी अपॉइंटमेंट हो गई, ठीक है। कॉजल वैकेंसी को 30 दिन के अंदर भरेंगे, और 30 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करेंगे, इंटीमेट करेंगे। 180 दिन जिस दिन मेरा ईयर खत्म होगा, 180 दिन के अंदर अंदर उसे टाइम दिया गया है कि उसे ऑफिस होल्ड करना है, तो इसका मतलब अल्टीमेट कहीं ना कहीं इंटीमेशन लग रही है कि सर 180 दिन के अंदर अंदर उसे रिपोर्ट फाइनल करनी है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट भेजनी है, ठीक है। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट भेजी जाएगी, और वो कहीं ना कहीं 30 दिन के अंदर अंदर उसकी कॉपी, एक कॉपी दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे, कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। तो सर टाइम पीरियड याद रखना है आपको, ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, जल्दी बोलो टाइम पीरियड। अगर मैं याद करूं सर अपॉइंटमेंट कब होगी, सर सेंट्रल कब होगी, सर ईयर शुरू होने के स्टार्टिंग में, ईयर जैसे शुरू हुआ है कमेंसमेंट के 180 दिन के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कब होगी, बोर्ड मीटिंग के अंदर होगी। अपॉइंटमेंट होने के बाद क्या काम करना है, अपॉइंटमेंट होने के बाद एक तो ऑडिटर को चिपकाना है कि भाई साहब आप अपॉइंट हो गए, और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिस चिपकाना है कि सर हमने अपॉइंटमेंट कर ली। ये नोटिस कब तक हो जाना चाहिए, या तो 30 दिन के अंदर, मीटिंग के 30 दिन के अंदर अंदर, या जैसी 180 दिन कंप्लीट होने वाले हैं, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वो ऑडिटर कब तक काम धंधा कर सकता है, सर जब मेरा ये एंड हो गया उसके 180 दिन तक काम धंधा मैक्स टू मैक्स कर सकता है, या जिस दिन उसने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दिया वहां तक, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट भी कितने दिन के अंदर अंदर सबमिट करनी है, उसे 180 दिन से ज्यादा टाइम नहीं ले सकता, दैट इज ईयर खत्म होने के 180 दिन के अंदर अंदर वो ऑफिस होल्ड करेगा, और 180 दिन के अंदर अंदर वो रिपोर्ट भी सबमिट करेगा, ठीक है। तो एक जिस दिन वो रिपोर्ट सबमिट कर देगा उस दिन वो अपना ऑफिस वगैरह छोड़ सकता है, ठीक है। अगर कोई कॉजल वैकेंसी आती है तो उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भरेंगे, कितने दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट फिर नोटिस भेजेंगे कि हमने कॉजल वैकेंसी फिल कर ली है, कितने दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर, ठीक है। और जब भी रिपोर्ट को देगा, कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट देगा, उस रिपोर्ट की एक कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट भी मांगेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने दिन के अंदर अंदर देनी है, 30 दिन के अंदर अंदर देनी है। किस दिन के अंदर देनी है, 30 दिन के अंदर देनी, कहां से, जिस दिन से मुझे एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट सबमिट होगी, रिपोर्ट मिलेगी, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को चिपकानी है, क्लियर है। तो रूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जल्दी बोलो, नॉर्मल था, दैट इज टाइटल के ऊपर था, रूल नंबर 2 डेफिनेशन था, रूल नंबर 3 रिकॉर्ड्स पे था, रूल नंबर 4 कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट पे, कॉस्ट ऑडिट पे था, रूल नंबर 5 किस पे था, मतलब कॉस्ट ऑडिट किस पे एप्लीकेबल है उस पे था, कॉस्ट रिकॉर्ड क्या मेंटेन करना है रूल नंबर 5 था, और कॉस्ट ऑडिट कैसे होगी, प्रोसीजर क्या होगा, दैट इज वो होगा रूल नंबर 6 के अंदर। बेटा कुछ फॉर्म है, फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म आपको याद रखने हैं, मैं आपको फॉर्म दिखाऊं, हाँ जी, ये आपके मॉड्यूल जो मैंने आपको मॉड्यूल दिया हुआ है दैट इज उसमें फॉर्म, सर ये 4 फॉर्म है याद रखने, अपॉइंट क्या मतलब रिकॉर्ड, रिकॉर्ड जो मेंटेन करने हैं वो किस में मेंटेन करने हैं, CRA 1 में करने हैं सर, ठीक है, और CRA 2 में आप बताओगे कि अपॉइंटमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई साहब आपने अपॉइंटमेंट कर ली है, CRA 3 में कॉस्ट ऑडिटर अपना रिपोर्ट भेजेगा, और CRA 4 में इस रिपोर्ट की एक कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल की जाएगी, ठीक है। तो CRA 1 किस लिए है, दैट इज आप रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, CRA 2 में अपॉइंटमेंट की नोटिस भेजोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को,
और CRA 3 में आपको कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट भेजेगा और CRA 4 में उसकी कॉपी कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी जाएगी। बेटा ये सब इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म होगा, जो फॉर्मेट होगा वो XBRL का होगा, यही फॉर्मेट आपको याद रखना है, इसी में से क्वेश्चन बनेंगे। तो बच्चे मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही है, ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ऑलमोस्ट 2 घंटे की क्लास होने वाली है, सर मैंने बोला था आज थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाएगी। हमने आज काफी सारी EVA पढ़ लिया, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट पढ़ ली, वेटेड मार्जिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ लिया, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट पढ़ ली, सर कुछ कॉस्टिंग की थ्योरी भी है वो आप मुझसे पूछते रहेंगे, मैं बीच बीच में अभी कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग भेजता रहूंगा। आप जैसे कुछ बच्चों का डाउट था कि सर वो लेबर के अंदर थोड़ा बताइए, वो टाइम कीपिंग और टाइम रिकॉर्डिंग में बहुत बच्चों का डाउट आ रहा था। बच्चे टाइम कीपिंग और टाइम रिकॉर्डिंग क्या है अगर मैं बोलूँ तो, सर टाइम कीपिंग होता है कि एक तरह का एक अटेंडेंस रजिस्टर, सिंपल एक अटेंडेंस रजिस्टर, एम्प्लॉय सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक काम करता, 9 बजे एंट्री ली और 6 बजे तक काम किया, तो उसका कहीं ना कहीं पूरा भैया 9 से 6 का उसका टाइम कीपिंग दैट इज अटेंडेंस मेंटेन होगी, जिसके बेस पे हम उसकी सैलरी वगैरह हम आगे प्रोसेस करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं टाइम बुकिंग मतलब उसने उसमें कितने घंटे काम किया, मैंने कहा टाइम 9 बजे से 6 बजे तक आता है लेकिन बीच में 1 घंटे का लंच होता है, फिर वो कहीं ना कहीं दिन में 3 बार चाय पीने जाता है, 10 मिनट वहां खराब करता है, फिर वो वॉशरूम वगैरह जाता है वहां पे 5-5 मिनट खराब करता है, 4 बार दिन में तो 20 मिनट वहां खराब करता है, तो इफेक्टिवली वो कहीं ना कहीं 2 घंटे खराब कर देता है फालतू में। तो इसका मतलब वो उसने 9 से 6 कितना हो गया, अगर मैं बोलूं तो 9 घंटे हो गए, है ना, 9 घंटे हो गए, 9 घंटे उसने टाइम, दैट इज टाइम रिकॉर्डिंग तो 9 घंटे है, लेकिन जो टाइम बुकिंग मशीन पे जो काम किया वो 2 घंटे खराब करके 7 घंटे काम किया, तो उसका इफेक्टिवली कितने घंटे चला, 7 घंटे। मैंने कहा पावर ब्रेक हो गई, मशीन खराब हो गई जिसकी वजह से 2 घंटे बर्बाद हो गए, तो इफेक्टिवली उसने और कितने काम किया, 5 घंटे किया। तो टाइम कीपिंग इट्स अ सिंपल अटेंडेंस रजिस्टर, लेकिन टाइम बुकिंग ये होता है कि आपने कितने घंटे इफेक्टिवली एम्प्लॉय ने काम या वर्कर ने काम किया है, क्लियर है। ऐसे ये कंट्रोल लगाए जाते हैं कि सर उसकी इफेक्टिवली उसकी एफिशिएंसी निकाली जाती है, ये सब चीजें होती हैं, तो ये आपकी चीजें यहाँ से कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो बच्चे ये मेरी तरफ से आज आपका रिवीजन सेशन का एंड था, जो भी डाउट होंगे सर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बस खत्म हो गए, अब आगे मिलेंगे नहीं, अभी हम मिलते रहेंगे, ठीक है। जो भी डाउट वगैरह होंगे वो मैं लेता रहूंगा, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो आप सॉल्व करते रहेंगे, आप मेहनत करके पढ़ते रहो, जो भी अब पोस्टपोन हुआ है तो उसको आगे देखते हैं क्या प्रोसेस होता है, जल्दी निदेशक के साथ मीटिंग करके कुछ चीजें फाइनल होंगी, उन्होंने बोला है मीटिंग करेंगे और फिर देखते हैं आप लोगों के लिए भी चीजें कैसे होती है, ठीक है। बट आप अपने बिल्कुल पॉजिटिव रहो और अच्छे से काम, ठीक है, पढ़ाई करो, जो भी टाइम एक्स्ट्रा मिले उसे और यूटिलाइज करो, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने में यूटिलाइज करो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट, जब भी टाइम मिलेगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुस्कुराते रहे, ठीक है, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराने से बेटा आधी टेंशन खत्म हो जाती है, ठीक है। चल बाय, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।